हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के मूवी फैक्ट दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फिल्म सुपरस्टार स्टार अभिनेता सुपर स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की मस्त मूवी बॉबरी बाउंसर के मूवी के आज हम दोस्तों हिंदी में रिव्यू करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे फिल्म बॉबरी बाउंसर मूवी आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे कहा से देख सकते हैं तो दोस्तों यह फिल्म को आप हिंदी भाषा के साथ YouTube पर देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ आइकन दबा दें फिल्म बॉबली बाउंसर जो की दो हजार दो हजार बाईस भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो कि मधुर द्वारा निर्देशित जिसमें तमन्ना भाटिया ने अभिनय किया था यह फिल्म एक स्ट्रीट स्मार्ट महिला बॉबली का यात्रा का अनुसरण करती है जो नाइट क्लब में बाउंसर बन जाती है रोमांच एक्शन और रहस्य क्षणों के मिश्रण के लिए साथ में शक्तिकरण और लच्ची लेपन के विषय के पड़ताल करती है मिश्र समीक्षा प्राप्त करते, करते हुए बॉबली बाउंसर तमन्ना भाटिया की प्रतिभा को प्रसिद्ध प्रदर्शित करता है और दर्शकों के लिए आकर्षक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है इसी का प्रीमियम 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था फिल्म का डायरेक्टर बॉबली बाउंसर का डायरेक्टर मधुर भंडा भंडाकर ने डायरेक्टर किया था फिल्म में तमन्ना भाटिया अभिषेक बबजाज साहिल वेद और संत सनंद सनंद दिखाई देंगे। दो सितंबर 2022 को रिलीज हुई बाउंसर मूवी का रन टाइम एक से अठारह मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि बबली तनवर और बबली बाउंसर के रूप में दिखाई देगी और अभिषेक बबजा जो कि विराज कौशिक के रूप में है फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री बबली बाउंसर की रूप तो सुपरस्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमन्ना तो भाटिया एक जिन्हें मुख्य रूप से तमन्ना के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से तेलुगु तमिल हिंदू हिंदी फिल्मों में काम करती है 65 फिल्मों से अधिक फिल्म में काम किया है और उन्होंने कई प्रशास हासिल की है जिनमें से कलाई मनी और आई 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 एम पुरस्कार सीमा जीता था और साथ ही दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के लिए आठ नामांकन और सैटर्न अवार्ड्स के लिए और एक नामांकन भी शामिल है तमन्ना भाटिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सर रोशन चेहरा 2005 से की और इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में श्री 2005 और तमिल सिनेमा में कैडी 2006 से डेब्यू किया था 2007 में उन्होंने कॉलेज जीवन पर आधारित दो ड्रामा फिल्मों तेलुगू में हैप्पी डेज़ और तमिल में कलोरी में अभिनय किया था तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने उल्लेखनीय फिल्मों में कौन कैम स्टम और कौन कैम कस्तम 2009 में लव 100% परसेंट लव दो जैसी एक, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है 2005 में उन्होंने अजित सावंत के अपा अभिजीती एल्बम गाने में लफ्जों में दिखाया गया था इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म चांदसा रोशन चेहरा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना शुरुआत किया था जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसी वर्ष उन्होंने श्री के साथ तेलुगु सिनेमा और 2006 में कैडी के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत किया था 2007 में उन्होंने पहली रिलीज शक्ति और दिल दी चिदम्बर चिद्दम, में थी और जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस दोस्तों तमन्ना भाटिया को उनके प्रदर्शन के लिए प्रसांस मिली और उन्होंने शेखर कमल्ला की हैप्पी डेज में बा, बालाजी शक्ति वेल की कल्लूरी से सफलता मिली और दोनों ने तमन्ना भाटिया ने एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने दो फिल्मों में अपने अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रोत्साहन किया था हैप्पी डेज की रूप से सफलता से सफलता ने आ, ने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर स्थापित किया था 2008 में उनकी पहली उपस्थिति जी रविचरण की रेड, रविचरण रेड्डी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म में थी और फिल्म को मध्यम समीक्षा मिली थी जबकि दोस्तों आलोचकों ने उनके अच्छे लुक और रोमांटिक अपील को स्वीकार किया था और उन्हें लगा कि उनके प्रदर्शन द्वारा सीमित था यह फिल्म जबकि बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी बाद में दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्म रेडी में एक कैमियो की भूमिका निभाई जो कि इसके बाद तेलुगु तमिल नेदु रेपु में एक और कैमियो की भूमिका निभाया था जिसका तमिल और शीर्षक नेद्रो इंद्रु नलाई था अभिनेत्री तमन्ना भाटिया 2009 में पहली रिलीज तमिल फिल्म कदन थी जिसका निर्देशक सूरज ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि फिल्म बाउंसर में फरवरी 2022 को तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाने की पुष्टि की गई थी महीने अभिषेक बबजाज को कलाकारों का हिस्से बनने की पुष्टि की गई थी और फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में हुआ था फिल्म के निर्माताओं ने फिल्मांकन शुरू होने के बाद टीम ने एक मुहर्रत पूजा व्यवस्था की थी फिल्म की फिल्म ने मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 को माध्यम से शुरू हुआ था और पहला शेड्यूल पंजाब के मोहाली में हुआ था एक आउट एक आउटडोर शूट के साथ एक उनके बाद नई दिल्ली और 20 दिनों के भीतर पूरा कर लिया था अंतिम शेड्यूल 22 अप्रैल 2022 को मुंबई में हुआ था फिल्म की शूटिंग 5 मई 2022 को हुई और मुंबई में पूरी की गई थी फिल्म के गाने तनसिक बख्शी और करण मल्होत्रा ने कंपोज किया था गाने के बोल तनसिक बख्शी और सफीर अहमद और मानव मानवस्वी मोहता ने लिखे थे फिल्म बॉबली प्रीमियर तेईस सितम्बर दो हजार बाईस को सीधे प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर किया गया है बांसर फिल्म का स्वागत रहा है और आलोचकों ने फिल्म पर अलग राय पेश की है और जहां कुछ समीक्षकों ने फिल्म के पहलुओं की प्रशंसा की है वहीं दोस्तों अन्य पाया की कुछ क्षेत्रों में इसमें कभी? इसमें कमी है और द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में तन्ना भाटिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद फिल्म को नारीवादी कथा पर एक कमजोर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था समीक्षकों से फिल्म के नारीवादी विषय के कारण कमजोर निष्पादन पर निष्पादन पर प्रकार डाला गया था और इसके संग्राम प्रभाव को आलोचना की गई थी जिससे दोस्तों इसे 1.5 रेटिंग मिली और इसी तरह के ने कमजोर निष्पादन की भावना को प्रतिध्वनि किया और जिसने कहा कि महिला की महिला स्वस्थिकरण को चित्रित करने का फैसला किया था और इसी प्रयास कमजोर और समीक्षा में तमन्ना भाटिया के प्रदर्शन का सराहना की थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कमजोर कहानी की आलोचना की गई और इसे पांच में से 1.5 स्टार दिए थे वही दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो फिल्म बॉलीवुड के फिल्म में काम करती है बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अभिषेक बबजाज जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से जिन्होंने वर्ष की 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने अभिनय करने की चंडीगढ़ से आशिकी नामक की फिल्म से सैंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है बबजाज ने उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू 2019 से किया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ, सुतारिया अनन्या पांडे ने अभिनय किया था जहां उन्होंने दोस्तों अभिषेक शर्मा द्वारा किरदार निभाया और उन्होंने बबजाज नाम से एक कॉमेडी वेब सीरीज की भूमिका निभाई और वह उनकी न्यूनतम फिल्म द काइन और का जोया अफरोज अभिनेत्री वर्ष 2021 हजार इक्कीस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी बात की जाए दोस्तों फिल्म बॉबली बाउंसर जोकी या फिल्म की कहानी के तो फिल्म में बॉबली कंवर जो की दमन्ना भाटिया दिल्ली के पास एक छोटे गांव में असुल्ला फते है फतेहपुर और एक अशिक्षित युवा लड़की है जहां ज्यादातर लोग बाउंसर हैं और उन्होंने तो उम्र होने के बावजूद बबली ने अभी भी अपनी दसवीं कक्षा की पूरी नहीं की है और उन्होंने शिक्षक ड्रम उससे बहुत परेशान है और उसे दृष्टि से देखते हैं और बबली बबली ने बचपन से ही बाउंसर बनने की ट्रेनिंग भी ली रही थी सरपंच की बेटी की शादी में बबली की मुलाकात ड्रम के बेटा से विराज कौशिक अभिषेक बबजाज से होती है जहाँ हाल ही में 5 साल की पढ़ाई के बाद लंदन से लौटता है और बबली को उस पर क्रॉस हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है टिंकू बिराज दिल्ली में रहता है और इसलिए बबली उससे मिलने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रही है उसी समय दोस्तों बबली को शादी के प्रस्ताव मिलने लगते हैं और बबली उन सभी को ठुकराने में सफल हो जाती है क्योंकि वह बिराज को पसंद करती है बबली बचपन का दोस्त किक्को साहिल वैद्य जो लंबे समय से उस पर क्रॉस है और उसे पता चलता है कि उसे शादी के प्रभावित मिल रहे हैं और दोस्तों वह और असुर असुरक्षित महसूस करता है इसलिए वह उसका परिवार बबली के परिवार के पास भी उनकी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं बबली का परिवार कुकू को पसंद करता है लेकिन वह उसे दोस्त मानती है यह महसूस करने के बाद कि कुकू दिल्ली के एक नाइट क्लब में स्पॉन्सर के रूप में काम करता है बबली ने खुद को दिल्ली लाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था वह कुकू को पसंद करने का नाटक करती है और उसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी दिलाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो एक साल बाद अपनी शादी के बारे में चर्चा कर सके कर सकते हैं और कुकु, ने, कुकु के नाइट क्लब में महिला एक महिला बाउंसर की नियुक्ति हुई थी और इसलिए उसने उसे अपने क्लब में भेजा दिया था और उसे नौकरी मिल गई थी दिल्ली की दिल्ली में बब्ली की विराज से कई बार मुलाकात होती है विराज की जन्मदिन की पार्टी में नशे में थूत बबली विराज को बिराज के सामने अपने दिल की बात कबूल करती है स्क्वायर करता है, कर देता है और अशिक्षित और असभ्य होने के कारण उसका अपमान करता है बबली का दिल टूट जाता है और वह विराज से अपना रिश्ता तोड़ देती है विराज की बातें सुनकर बबली विराज को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए खुद को बदलने बदलने और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने का फैसला करती है वहीं दोस्तों अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कक्षा में दाखिला लेती है अंग्रेजी सीखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है विराज और उसके दोस्त बबली के क्लब में जाते हैं और उसका जिस दौरान उसका कई हाई प्रोफाइल राजनेता के बेटे के साथ झड़प होता है प्ले बाय विराज के सिर पर बंदूक तान देता है और उसके और उसे जान से मारने की धमकी देता है बबली घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने साहस और दिमाग से इसे शांति से हल करने में सक्षम होती है विराज बहुत तो प्रभावित हो जाता है और उसे उससे स्वीकार करने का प्रस्ताव होता है वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसका दिल वापस जीतने की कोशिश करता है बबली कई बार उससे बचने की कोशिश करती है और अंत उसे यह कहते हुए कि आविष्कार कर देती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती क्लब में एक और रात गैंगस्टर ने चुपके से एक महिला ग्राहक का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की या उसे मारने की योजना बनाकर भाग गए थे अभिनेत्री बॉबली बाउंसर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बॉबली का एक घटना का दिखती है और इस लड़की को बचाने का फैसला करती है वह सड़क पर सभी बदमाशों को हरा देती है और इस लड़की को बचा लेती है वह घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई बबली अचानक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रियता हो गई उनके राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें वित्रता पदक से सम्मानित किया गया था और दोस्तों बात की जाए अभिनेता साहिल वैद्य साहिल वैद्य जो कि यह एक भारतीय अभिनेता ड्रॉविंग कलाकार और अभिनेता है जिन्होंने बिट्टू बिट्टू बास की 2012 की हम्पी शर्मा की दुल्हनिया और बैंक चोर 2017 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 जो कि दिल बेचारा 2020 और उनकी भूमिकाओं के लिए दो जाना जाता है कुल्ली नंबर वन 2020 और 2005 में उनकी तेलुगु छात्रापति की रीमेक है 12 मई 2023 को रिलीज हुई थी और अभिनेता वैद ने पिछले 17 वर्षों में कई नाटकों में अभिनय किया है उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत स्कूल थिएटर से की और जिसने उन्नीस सौ सन्तानवे में पेशावर रूप से स्टेज शो के लिए अभिनय किया था उन्होंने 2012 में बिट्टू बास के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और अपने कैरियर के शुरुआत में साहिल को पहले ऑनलाइन एस्टेंट ऑफ कॉमेडियन शो हिंद में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इसके बाद वह पर शर्मा की दुल्हनिया 2014 और में अभिनय करने के बाद प्रमुखता से उभरे उन्होंने बिट्टू बास 2012 बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 बैंक चोर 2017 दिल बेचारा 2020 कुल्ली नंबर वन 2020 में भी देखा गया था उसके बाद दोस्तों अभिनेता सौरभ शुक्ला जोकिया एक भारतीय अभिनेता है जो बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं एक भारतीय अभिनेता और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार अभिनेता पाठकता और फिल्म निर्देशक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करता है वह सत्य उन्नीस सौ अंठानवे ना, नायक द रियल हीरो 2001 युवा 2004 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 हजार बर्फी में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हासिल किया था 2012 में चाली और एल एल बी दो हजार तेरह की दो हजार चौदह पी के दो हजार चौदह और जाली एल एल, एल बी टू दो हजार सत्रह और रेड दो हजार अठारह उन्होंने गोवा में रु आगे अग्निहोत्री और राचेला अग्निहोत्री के साथ लघु वृद्धि चित्रित किया किया गया था 2014 में उन्होंने जाली और एलएलबी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। और दोस्तों बात की जाए माया शुक्ला जो कि भारत की पहली महिला और तबला वादक थी जो कि ओग्रा घराने के गायक और शत्रुधन शुक्ला के घर जन्मे जब शुक्ला ने दो साल के थे जब उन्होंने अपना परिवार गोरखपुर छोड़कर दिल्ली चला गया था शुक्ला ने उन्नीस सौ छियासी की ए, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज अर्थत्व तो मिलकर और लुक बैंक इन एंगर और जॉन अब्राहम जॉन ओसब्रोन और घसी राम कोटा वाला विजय तेलुगु विजय तेंदुलकर और हेवान दान जैसे नाटकों से भूमिकाओं के साथ गंभीर थिएटर की शुरुआत की थी उन्नीस सौ इक्यानवे में वह एक अभिनेता के रूप में एन एस डी रिपोर्टर कंपनी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पेशावर शाखा में शामिल हो गए थे अगले वर्ष उन्होंने पहला ब्रेक तब मिला जब शेखर कपूर ने उनके काम से प्रभावित होकर बैटी बैंडिट और क्वीन में उनके लिए एक भूमिका निभाई थी शुक्ला ने उन्नीस सौ चौरानवे की दूरदर्शन दस, में अपराध नाटक तहक और तहकता में विजय आनंद के सहायक गोपी की भूमिका निभाई श्रीज की निर्देशक और करण राजदान ने किया था लेकिन दोस्तों पहले एपिसोड का निर्देशक कपूर ने किया था उन्होंने जी टीवी के मालावार हिल में लेख और अभिनय किया वह उन्नीस सौ नब्बे के दशक में दूरदर्शन टीवी दराई को मुला नसरुद्दीन में एक अमीर जासूस और सरदार का जासूस एक छोटी भूमिका निभाए छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने भूमिका रघु रघुन्द्र यादव थे और सिर, सिरिज मुल्ला नसरुद्दीन की लोकनिकता लोक कथाओं पर आधारित ही और शुक्ला कामिक थिएटर प्ले टू टू और टेंगो थ्री जीव पर भी हिस्सा थी शुक्ला ने सबको बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने रामगोपाल वर्मा की उन्नीस सौ की कॉल्ट क्लासिक सत्या की पाठक कथा स लेखक या और फिर फिल्म गैंगस्टर कल्लू मामा का भी भूमिका निभाई उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ सर्वश्रेष्ठ पाठक कथा के लिए स्टार स्क्रीनिंग अवार्ड जीता था उन्होंने सन 2000 में रेडिस डॉट कॉम को एक साक्षात्कार में कहा कि मैं सत्य जैसी यथार्थवादी फिल्मों में क्लब बनाता हूं और इसकी की इसी तरह फिल्म मुझे करना पसंद है वास्तविक को पकड़ना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है उसी स्क्रिप्ट उसे सच्चाकार में उन्होंने फिल्म निर्माण निर्माण की, की अपनी पसंदीदा शौली और कॉमेडी के बारे में भी बात की है। है। नाइट क्लब में बाउंसर बन जाती रोमांच एक्शन और रहस्य क्षणों के मिशन के लिए साथ में शक्तिकरण और लच्ची लेपन के विषय के पड़ताल करती है मिश्र समीक्षा प्राप्त करते हुए बॉबली बाउंसर तमन्ना भाटिया की प्रतिभा को प्रसिद्ध प्रदर्शित करता है और दर्शकों के लिए आकर्षक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है इसी का सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था फिल्म का डायरेक्टर बॉबली बाउंसर का डायरेक्टर मधुर भांडाकर भंडाकर ने डायरेक्ट किया था फिल्म में तमन्ना भाटिया अभिषेक बबजाज साहिल वेद और सन दिखाई देंगे तेईस सितंबर 2022 को रिलीज हुई बॉबली बाउंसर मूवी का रनर टाइम एक से अट्ठारह मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि बबली तनवर और बबली बाउंसर के रूप में दिखाई देगी और अभिषेक जो कि विराज कौशिक के रूप में है फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया एक जिन्हें मुख्य रूप से तमन्ना के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से तेलुगु तमिल हिंदू हिंदी फिल्मों में काम करती है पैंसठवें फिल्मों से अधिक फिल्म में काम किया है और उन्होंने कई प्रशास हासिल की है जिनमें से कलाई मनी और आई आई आई, आई एम पुरस्कार सीमा जीता था और साथ ही दोस्तों फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए आठ नामांकन और सैटर्न अवार्ड्स के लिए और एक नामांकन भी शामिल है तमन्ना भाटिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सर रोशन चेहरा 2005 से की और इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में श्री 2005 और तमिल सिनेमा में कैडी 2006 से डेब्यू किया था 2007 में उन्होंने कॉलेज जीवन पर आधारित दो ड्रामा फिल्मों तेलुगू में हैप्पी डेज और तमिल में कल्लूरी में अभिनय किया था तेलुगु तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने उल्लेखनीय फिल्मों में कौन कैम स्टम और कौन कैम कस्तम 2009 में लव 100% परसेंट लव दो जैसी एक, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है 2005 में उन्होंने अजित सावंत के अपकाशा अभिजीती एल्बम गाने में लफ्जों में दिखाया गया था इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म सा रोशन चेहरा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना शुरुआत किया था जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसी वर्ष उन्होंने श्री के साथ तेलुगु सिनेमा और 2006 में कैडी के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत किया था 2007 में उन्होंने पहली रिलीज शक्ति और दिल दी और चिदम्बिदम्बर में ब्यांबरी थी और जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी लेकिन दोस्तों तमन्ना भाटिया को उनके प्रदर्शन के लिए प्रसांस मिली और उन्होंने शेखर कमल्ला की हैप्पी डेज में बा, बालाजी शक्ति वेल की कल्लूरी से सफलता मिली और दोनों ने तमन्ना भाटिया ने एक कले छात्रा की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने दो फिल्मों में अपने अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रोत्साहन हासिल किया था हैप्पी डेज़ की व्यावसायिक रूप से सफलता से कल्लुरी ने कलुरी ने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर स्थापित किया था 2008 में उनकी पहली उपस्थिति जी रविचरण की रेड, रविचरण रेड्डी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म काली और फिल्म को मध्यम समीक्षा ने उनके अच्छे लुक और रोमांटिक अपील को स्वीकार किया था और उन्होंने लगा कि उनके प्रदर्शन द्वारा सीमित था यह फिल्म जबकि बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी बाद में दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्म रेडी में एक कैमियो की भूमिका निभाई जो कि इसके बाद तेलुगु तमिल द्विभाषी निन्ना नेदू नेदु, नेदु रेपु में एक और कैमियो की भूमिका निभाया था जिसका तमिल और शीर्षक नेद्रो इंद्रु नलाई था अभिनेत्री तमन्ना भाटिया 2009 में पहली रिलीज तमिल फिल्म कदन थी जिसका निर्देशक सूरज ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि फिल्म बबली बाउंसर में फरवरी 2022 को तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाने की पुष्टि की गई थी महीने अभिषेक बबजाज को कलाकारों का हिस्से बनने की पुष्टि की गई थी और फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में हुआ था फिल्म के निर्माताओं ने फिल्मांकन शुरू होने के बाद टीम ने एक मुहर्रत व्यवस्था की थी फिल्म की फिल्म फोटोग्राफी फरवरी 2022 को माध्यम से शुरू हुआ था और पहला शेड्यूल पंजाब के मोहाली में हुआ था एक आउट एक आउटडोर शूट के साथ ए, उनके बाद नई दिल्ली और बीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया था अंतिम शेड्यूल बाईस अप्रैल दो हज़ार बाईस को मुंबई में हुआ था फिल्म की शूटिंग पाँच मई दो हज़ार बाईस को हुई और मुंबई में पूरी की गई थी फिल्म के गाने तनसिक बक्सी और करण मल्होत्रा ने कंपोज किया था गाने के बोल तनशिक बक्सी और शब्बीर अहमद ने और मानस मानसवी मोहता ने लिखे थे फिल्म बॉबली बांसर का प्रीमियर तेईस सितंबर दो सितंबर 2022 को सीधे ओटी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर किया गया है बॉबली बांसर फिल्म का स्वागत रहा है और आलोचकों ने फिल्म पर अलग राय पेश की है और जहां कुछ समीक्षकों ने फिल्म के पहलुओं की प्रशंसा की है वहीं दोस्तों अन्य पाया कि कुछ क्षेत्रों में इसमें कभी? इसमें कमी है और द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में तमन्ना भाटिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद फिल्म को नारीवादी कथा पर एक कमजोर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था समीक्षकों से फिल्म के नारीवादी विषय के कारण कमजोर निष्पादन निष्पादन पर, निश्पादन पर प्रकार डाला गया था और इसके संग्राम प्रभाव को आलोचना की गई थी जिससे दोस्तों इसे 1.5 स्टार रेटिंग मिली और इसी तरह एनडीटीवी के समीक्षक ने कमजोर निष्पादन की भावना को प्रतिध्वनि किया और जिसने कहा कि महिला स्वास्थ्य स्वस्थिकरण को चित्रित करने का फैसला किया था और इसी प्रयास कमजोर और समीक्षा में तमन्ना भाटिया के प्रदर्शन का सराहना की थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कमजोर कहानी की आलोचना की गई और इसे पांच में से वन पॉइंट स्टार दिए थे वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो फिल्म बॉलीवुड के फिल्म में काम करती है बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अभिषेक जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से वर्ष की दो की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने अभिनय करने की चंडीगढ़ से आशिकी नामक की फिल्म से सैंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है बबजाज ने उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू दो हजार उन्नीस से किया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ, सुतारिया अनन्या पांडे ने अभिनय किया था जहां उन्होंने दोस्तों अभिषेक शर्मा द्वारा किरदार निभाया और उन्होंने बबजाज विद नाम से एक कॉमेडी वेब सीरीज की भूमिका निभाई और वह उनकी न्यूनतम फिल्म द काइन और भी अफरोज अभिनी वर्ष 2021 हजार इक्कीस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी बात की जाए दोस्तों फिल्म बॉबली कहानी के तो जो की तो फिल्म में बॉब्ली का दमना भाटिया दिल्ली के पास एक छोटे गांव में असोल्ला फतेह फतेहपुर और एक आशिकित युवा लड़की है जहां ज्यादातर लोग बाउंसर हैं और उन्होंने तो योग्य उम्र होने के बावजूद बबली ने अभी भी अपनी दसवीं कक्षा की पूरी नहीं की है और उन्होंने शिक्षक का उपन्ना ड्रम उससे बहुत परेशान है और उसे हे दृष्टि से देखते हैं और बबली बबली ने बचपन से ही बाउंसर बनने की ट्रेनिंग भी ली रही थी सरपंच की बेटी की शादी में बबली की मुलाकात ड्रम के बेटा से विराज कौशिक अभिषेक बब्जा से होती है जहाँ हाल ही में पाँच साल की पढ़ाई के बाद लंदन से लौटता है और बबली को उस पर क्रॉस हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है सिंकु बिराज दिल्ली में रहता है और इसलिए बबली उससे मिलने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रही है उसी समय दोस्तों बबली को शादी के प्रस्ताव मिलने लगते हैं और बबली उन सभी को ठुकराने में सफल हो जाती है क्योंकि वह विराज को पसंद करती है बबली बचपन का दोस्त चिक्कू साहिल वैद जो लंबे समय से उस पर क्रॉस है और उसे पता चलता है कि उसे शादी के प्रभावित मिल रहे हैं और दोस्तों वह असुर असुरक्षित महसूस करता है इसलिए वह उसका परिवार बबली के परिवार के पास भी उनकी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं बबली का परिवार कोकू को पसंद करता है लेकिन वह उसे दोस्त मानती है यह महसूस करने के बाद कि कोकू दिल्ली के एक नाइट क्लब में स्पॉन्सर के रूप में काम करता है बबली ने खुद को दिल्ली लाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था वह कोकू को पसंद करने का नाटक करती है और उसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी दिलाने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो एक साल बाद अपनी शादी के बारे में चर्चा कर सकें कर सकते हैं और कुकु ने कुकु के नाइट क्लब में महिला एक महिला बाउंसर की नियुक्ति हुई थी और इसलिए उसने उसे अपने क्लब में भेजा दिया था और उसे नौकरी मिल गई थी दिल्ली की दिल्ली में बबली की विराज से कई बार मुलाकात होती है विराज की जन्मदिन की पार्टी में नशे में थूत बबली विराज को बिराज के सामने अपने दिल की बात कबूल करती है विराज बबली को करता है कर देता है और अशिक्षित और असभ्य होने के कारण उसका अपमान करता है बबली का दिल टूट जाता है और वह विराज से अपना रिश्ता तोड़ देती है विराज की बातें सुनकर बबली विराज को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए खुद को बदलने बदलने और अपनी स्थिति में सुधार करने का फैसला करती है वहीं दोस्तों अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कक्षा में दाखिला लेती है अंग्रेजी सीखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है विराज और उसके दोस्त बबली के क्लब में जाते हैं और उसका जिस दौरान उसका कई हाई प्रोफाइल राजनेता के बेटे के साथ झड़प होता है प्ले बाय विराज के सिर पर बंदूक तान देता है और उसके और उसे जान से मारने की धमकी देता है बबली घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने साहस और दिमाग से इसे शांति से हल करने में सक्षम होती है विराज बहुत तो प्रभावित हो जाता है और उसे उससे स्वीकार करने का प्रस्ताव होता है वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसका दिल वापस जीतने की कोशिश करता है बबली कई बार उससे बचने की कोशिश करती है और अंत उसे यह कहते हुए कि अविष्कार कर देती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती क्लब में एक और रात गैंगस्टर ने चुपके से एक महिला ग्राहक का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की या उसे मारने की योजना बनाकर भाग गए थे अभिनेत्री बॉबली बाउंसर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बॉबली का एक घटना का दिखती है और इस लड़की को बचाने का फैसला करती है वह सड़क पर सभी बदमाशों को हरा देती है और इस लड़की को बचा लेती है वह घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई बबली अचानक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रियता हो गई उनके राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें वित्रता पदक से सम्मानित किया गया था और दोस्तों बात की जाए अभिनेता साहिल वैद साहिल वैद जो कि यह एक भारतीय अभिनेता ड्रॉविंग कलाकार और अभिनेता है जिन्होंने बिट्टू बिट्टू बास की 2012 की हम्पी शर्मा की दुल्हनिया और बैंक चोर 2017 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 जो कि दिल बेचारा 2020 और उनकी भूमिकाओं के लिए दो जाना जाता है कुल्ली नंबर वन 2020 और 2005 में उनकी तेलुगु छात्रपति की रीमेक है 12 मई 2023 को रिलीज हुई थी और अभिनेता वैद ने पिछले 17 वर्षों में कई नाटकों में अभिनय किया है उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्कूल थिएटर से की और जिसने उन्नीस सौ संतानवे में पेशावर रूप से स्टेज शो के लिए अभिनय किया था उन्होंने 2012 में बिट्टू बास के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और अपने कैरियर के में साहिल को पहले ऑनलाइन एस्टेंट ऑफ कॉमेडियन शो हिंद में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इसके बाद वह हमपल शर्मा की दुल्हनिया 2014 और में अभिनय करने के बाद प्रमुखता से उभरे उन्होंने बिट्टू बास 2012 बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 बैंक चोर 2017 दिल बेचारा 2020 कुल्ली नंबर वन 2020 में भी देखा गया था उसके बाद दोस्तों अभिनेता सौरभ शुक्ला जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं एक भारतीय अभिनेता और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार अभिनेता पाठकर्ता और फिल्म निर्देशक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करता है उन्नीस सौ अंठानवे ना, नायक द रियल हीरो 2001 युवा 2004 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 हजार में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हासिल किया था 2012 में चालीस और एल एल बी दो हजार तेरह दो हजार चौदह पी के दो हजार चौदह और जाली एल एल, एल बी टू दो हजार सत्रह और रेड दो हजार अठारह उन्होंने गोवा में रुथ आगे अग्निहोत्री और राचेला अग्निहोत्री के साथ वृद्धि चित्रित किया किया गया था 2014 में उन्होंने जाली और एल एल बी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और दोस्तों बात जो जो की जाए माया शुक्ला जो कि भारत की पहली महिला और तबला वादक थी जो कि घराने के गायक और शत्रुधन शुक्ला के घर जन्मे जब शुक्ला ने दो साल के थे जब उन्होंने अपना परिवार गोरखपुर छोड़कर दिल्ली चला गया था शुक्ला ने उन्नीस सौ छियासी की व्यू ए, ए फ्रॉम द ब्रिज अर्थात तो मिलकर और लुक बैंक इन एंगर और जॉन अब्राहम जॉन ओसा ब्रोन और घासी राम कोटावाला विजय तेलुगु विजय तेंदुलकर और हेवनदान जैसे नाटकों से भूमिकाओं के साथ गंभीर थिएटर की शुरुआत की थी उन्नीस सौ इक्यानवे में वह एक अभिनेता के रूप में एन एस डी रिपोर्टर कंपनी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पेशावर शाखा में शामिल हो गए थे अगले वर्ष उन्होंने पहला ब्रेक तब मिला जब शेखर कपूर ने उनके काम से प्रभावित होकर बैटी बैंडिट और क्वीन में उनके लिए एक भूमिका निभाई थी शुक्ला ने उन्नीस सौ चौरानवे की दूरदर्शन दुर्दस, में अपराध नाटक तहक, और तहक में आनंद के सहायक गोपी की भूमिका निभाई सृज की निर्देशक और करण राजदान ने किया था लेकिन दोस्तों पहले एपिसोड का निर्देशक कपूर ने किया था उन्होंने जी टीवी के मालाबार हिल में लेख और अभिनय किया वह उन्नीस सौ नब्बे के दशक में दूरदर्शन टीवी वी को मुल्ला नसरुद्दीन में एक अमीर जासूस और सरदार का जासूस एक छोटी भूमिका निभाए छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने भूमिका रघु रघुन्द्र यादव थे और सिरिज मुल्ला नसरुद्दीन की लोकनिकता लोक कथाओं पर आधारित ही और शुक्ला थिएटर प्ले टू टू और टेंगो उन्होंने रामगोपाल वर्मा की उन्नीस सौ अंठानवे की कॉल्ट क्लासिक सत्या की कथा से लेखक किया और फिर फिल्म गैंगस्टर कल्लू मामा का भी भूमिका निभाई उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ सर्वश्रेष्ठ पाठक कथा के लिए स्टार स्क्रीनिंग अवार्ड जीता था उन्होंने सन 2000 में रेडिफ डॉट कॉम को एक कार में कि मैं सत्या जैसी तो बादी फिल्मों में बनाता हूं और इस क्योंकि इसी तरह फिल्म मुझे करना पसंद है वास्तविक को पकड़ना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है उसी स्क्रिप्ट उसे सचताकार में उन्होंने फिल्म निर्माण की निर्माण की अपनी पसंदीदा शौली और कॉमेडी के बारे में भी बात की है के के मिशन के लिए साथ में लची लेपन के विषय के पड़ताल करती है मिश्र समीक्षा प्राप्त करते हुए बॉबली बाउंसर तमन्ना भाटिया की प्रतिभा को प्रसिद्ध प्रदर्शित करता है और दर्शकों के लिए आकर्षक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है इसी का प्रीमियम 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था फिल्म का डायरेक्टर बॉबली बाउंसर का डायरेक्टर मधुर भांडाकर भंडाकर ने डायरेक्टर किया था फिल्म में तान्ना भाटिया अभिषेक बबजाज साहिल वैद और सनंद सन, वर्मा दिखाई देंगे तेईस सितंबर 2022 को रिलीज हुई बबली बाउंसर मूवी का रन टाइम एक से अठारह मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि बबली तनवर और बबली बाउंसर के रूप में दिखाई देगी और अभिषेक बबजा जो कि विराज कौशिक के रूप में हैं फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री बॉब्ली बाउंसर की सुपरस्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया एक जिन्हें मुख्य रूप से तमन्ना के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से तेलुगु तमिल हिंदू हिंदी फिल्मों में काम करती है पैंसठवें फिल्मों से अधिक फिल्म में काम किया है और उन्होंने कई प्रशास हासिल की है जिनमें से कलाई मनी और आई आई आई, आई एम पुरस्कार सीमा जीता था और साथ ही दोस्तों फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए आठ नामांकन और सैटर्न अवार्ड्स के लिए और एक नामांकन भी शामिल है तमन्ना भाटिया ने अपने अभिनय करियर की के शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सर रोशन चेहरा 2005 से की और इसके बाद उन्होंने तेलुगु और तमिल सिनेमा में 2006 से डेब्यू किया था 2007 में उन्होंने कॉलेज जीवन पर आधारित दो ड्रामा फिल्मों तेलुगू में हैप्पी डेज और तमिल में कलोरी में अभिनय किया था तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने उल्लेखनीय फिल्मों में कौन कैम स्टम और कौन कैम कस्तम 2009 में लव 100% परसेंट लव दो जैसी एक, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है 2005 में उन्होंने अजित सावंत के अपकाशा अभिजीती एल्बम गाने में लफ्जों में दिखाया गया था इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म सा रोशन चेहरा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना शुरुआत किया था जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसी वर्ष उन्होंने श्री के साथ तेलुगु सिनेमा और 2006 में कैडी के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत किया था 2007 में उन्होंने पहली रिलीज शक्ति और दिल दी और चिदंबर में ब्यांबरी थी और जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी लेकिन दोस्तों तमन्ना भाटिया को उनके प्रदर्शन के लिए प्रसांस मिली और उन्होंने शेखर कमल्ला की हैप्पी डेज में बा, बालाजी शक्ति वेल की कल्लुरी से सफलता मिली और दोनों ने तमन्ना भाटिया ने एक कले छात्रा की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने दो फिल्मों में अपने अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रोत्साहन हासिल किया था हैप्पी डेज की, की रूप से सफलता से सफलता कल्लुरी ने आ, ने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में अपना कैरियर स्थापित किया था 2008 में उनकी पहली उपस्थिति जी रविचरण की रेड, रविचरण रेड्डी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म काली दासो में थी और फिल्म को मध्यम समीक्षक मिली थी जबकि दोस्तों आलोचकों ने उनके अच्छे लुक और रोमांटिक अपील को स्वीकार किया था और उन्होंने लगा कि उनके प्रदर्शन द्वारा सीमित था यह फिल्म जबकि बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी बाद में दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्म रेडी में एक कैमियो की भूमिका निभाई जो कि इसके बाद तेलुगु तमिल द्विभाषी निन्ना नेदू रेपु में एक और कैमियो की भूमिका निभाया था जिसका तमिल और शीर्षक नेद्रो इंद्रु नलाई था अभिनेत्री तमन्ना भाटिया 2009 में पहली रिलीज तमिल फिल्म कदन थी जिसका निर्देशक सूरज ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि फिल्म बबली बाउंसर में फरवरी 2022 को तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाने की पुष्टि की गई थी महीने अभिषेक बबजाज को कलाकारों का हिस्से बनने की पुष्टि की गई थी और फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में हुआ था फिल्म के निर्माताओं ने फिल्मांकन शुरू होने के बाद टीम ने एक मुहर्रत व्यवस्था की थी फिल्म की फिल्म फोटोग्राफी फरवरी 2022 को माध्यम से शुरू हुआ था और पहला शेड्यूल पंजाब के मोहाली में हुआ था एक आउट एक आउटडोर शूट के साथ ए, उनके बाद नई दिल्ली और बीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया था अंतिम शेड्यूल बाईस 20, अप्रैल दो हज़ार बाईस को मुंबई में हुआ था फिल्म की शूटिंग पाँच मई दो हज़ार बाईस को हुई और मुंबई में पूरी की गई थी फिल्म के गाने तनसिक बक्सी और करण मल्होत्रा ने कंपोज किया था गाने के बोल तनशिक बक्सी और शबीर अहमद ने और मानस मानसवी मोहता ने लिखे थे फिल्म बॉबली बांसर का प्रीमियर तेईस अगस्त तेईस सितंबर दो को सीधे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर किया गया है बॉबली बांसर फिल्म का स्वागत निश्चित रहा है और आलोचकों ने फिल्म पर अलग राय पेश की है और जहां कुछ समीक्षकों ने फिल्म के पहलुओं की प्रशंसा की है वहीं दोस्तों अन्य पाया कि कुछ क्षेत्रों में इसमें, कभी? इसमें कमी है और द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में तमन्ना भाटिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद फिल्म को नारीवादी कथा पर एक कमजोर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था समीक्षकों से फिल्म के नारीवादी विषय के कारण कमजोर निष्पादन पर, निश्पादन पर प्रकार डाला गया था और इसके संग्राम प्रभाव को आलोचना की गई थी जिससे दोस्तों इसे 1.5 स्टार रेटिंग मिली और इसी तरह एनडीटीवी के समीक्षक ने कमजोर निष्पादन की भावना को प्रतिध्वनि किया और जिसने कहा कि महिला स्वास्थ्य की स्वस्थिकरण को चित्रित करने का फैसला किया था और इसी प्रयास कमजोर और समीक्षा में तमन्ना भाटिया के प्रदर्शन का सराहना की थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कमजोर कहानी की आलोचना की गई और इसे पांच में से वन पॉइंट स्टार दिए थे वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो फिल्म बॉलीवुड के फिल्म में काम करती है बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अभिषेक बबजाज जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से जिन्होंने वर्ष की 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने अभिनय करने की चंडीगढ़ से आशिकी नामक की फिल्म से सैंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है बबजाज ने उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू दो हजार उन्नीस से किया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ, सुतारिया अनन्या पांडे ने अभिनय किया था जहां उन्होंने दोस्तों अभिषेक शर्मा द्वारा किरदार निभाया और उन्होंने बबजाज विद नाम से एक कॉमेडी वेब सीरीज की भूमिका निभाई और वह उनकी न्यूनतम फिल्म द काइन और भी अफरोज अभिनी वर्ष 2021 हजार इक्कीस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी बात की जाए दोस्तों फिल्म बॉबलीउंसर जो कि यह फिल्म की कहानी के तो फिल्म में बॉबली थार जो कि दमन्ना भाटिया दिल्ली के पास एक छोटे गांव में असुल्ला फतेह फतेहपुर और एक अशिक्षित युवा लड़की है जहां ज्यादातर लोग बाउंसर हैं और उन्होंने तो योग्य उम्र होने के बावजूद बबली ने अभी भी अपनी दसवीं कक्षा की पूरी नहीं की है और उन्होंने शिक्षक का उपन्ना ड्रम उससे बहुत परेशान है और उसे हे दृष्टि से देखते हैं और बबली बबली ने बचपन से ही बाउंसर बनने की ट्रेनिंग भी ली रही थी सरपंच की बेटी की शादी में बबली की मुलाकात ड्रम के बेटा से विराज कौशिक अभिषेक बबजाज से होती है जहाँ हाल ही में पाँच साल की पढ़ाई के बाद लंदन से लौटता है और बबली को उस पर क्रॉस हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है सिंकु बिराज दिल्ली में रहता है और इसलिए बबली उससे मिलने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रही है उसी समय दोस्तों बबली को शादी के प्रस्ताव मिलने लगते हैं और बबली उन सभी को ठुकराने में सफल हो जाती है क्योंकि वह विराज को पसंद करती है बबली बचपन का दोस्त किक्को साहिल वैद जो लंबे समय से उस पर क्रॉस है और उसे पता चलता है कि उसे शादी के प्रभावित मिल रहे हैं और दोस्तों वह और असुर असुरक्षित महसूस करता है इसलिए वह उसका परिवार बबली के परिवार के पास भी उनकी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं बबली का परिवार कुक् को पसंद करता है लेकिन वह उसे दोस्त मानती है यह महसूस करने के बाद कि कोक्कू दिल्ली के एक नाइट क्लब में स्पॉन्सर के रूप में काम करता है बबली ने खुद को दिल्ली लाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था वह कुक्कु को पसंद करने का नाटक करती है और उसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी दिलाने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो एक साल बाद अपनी शादी के बारे में चर्चा कर सकें कर सकते हैं और कुकु ने कुकु के नाइट क्लब में महिला एक महिला बाउंसर की नियुक्ति हुई थी और इसलिए उसने उसे अपने क्लब में भेजा दिया था और उसे नौकरी मिल गई थी दिल्ली की दिल्ली में बॉबली की विराज से कई बार मुलाकात होती है विराज की जन्मदिन की पार्टी में नशे में थूत बबली विराज को के सामने अपने दिल की बात कबूल करती है विराज बबली को करता है कर देता है और अशिक्षित और अभ्य असभ्य होने के कारण उसका अपमान करता है बबली का दिल टूट जाता है और वह विराज से अपना रिश्ता तोड़ देती है विराज की बातें सुनकर बबली विराज को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए खुद को बदलने बदलने और अपनी स्थिति में सुधार करने का फैसला करती है वहीं दोस्तों अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कक्षा में दाखिला लेती है अंग्रेजी सीखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है विराज और उसके दोस्त बबली के क्लब में जाते हैं और उसका जिस दौरान उसका कई हाई प्रोफाइल राजनेता के बेटे के साथ झड़प होता है प्ले बाय विराज के सिर पर बंदूक तान देता है और उसके और उसे जान से मारने की धमकी देता है बबली घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने साहस और दिमाग से इसे शांति से हल करने में सक्षम होती है विराज बहुत तो प्रभावित हो जाता है और उसे उससे स्वीकार करने का प्रस्ताव होता है वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसका दिल वापस जीतने की कोशिश करता है बबली कई बार उससे बचने की कोशिश करती है और अंत उसे यह कहते हुए कि अस्वीकार कर देती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती क्लब में एक और रात गैंगस्टर ने चुपके से एक महिला ग्राहक का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की या उसे मारने की योजना बनाकर भाग गए थे अभिनेत्री बॉबली बाउंसर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बॉबली का एक घटना का दिखती है और इस लड़की को बचाने का फैसला करती है वह सड़क पर सभी बदमाशों को हरा देती है और इस लड़की को बचा लेती है वह घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई बबली अचानक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रियता हो गई उनके राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें वित्रता पदक से सम्मानित किया गया था और दोस्तों बात की जाए अभिनेता साहिल वैद साहिल वैद जो कि यह एक भारतीय अभिनेता, ड्राइंग कलाकार और अभिनेता है, जिन्होंने विद्धु विद्धु बास की 2012 की हांपी शर्मा की दुल्हनिया और बैंक चोर 2017 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 जो कि दिल बेचारा 2020 और उनकी भूमिकाओं के लिए 20 जाना जाता है कुल्ली नंबर वन 2020 और 2005 में उनकी तेलुगु छात्रापति की रीमेक है 12 मई 2023 को रिलीज हुई थी और अभिनेता वैद ने पिछले सत्रह वर्षों में कई नाटकों में अभिनय किया है उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत स्कूल थिएटर से की और जिसने उन्नीस सौ संतानवे में पेशावर रूप से स्टेज शो के लिए अभिनय किया था उन्होंने 2012 में बिट्टू बास के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और अपने कैरियर के शुरुआत में साहिल को पहले ऑनलाइन एस्टेंट ऑफ कॉमेडियन शोहिंद में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इसके बाद वह पर शर्मा की दुल्हनिया 2014 और में अभिनय करने के बाद प्रमुखता से उभरे उन्होंने बिट्टू बास 2012 बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 बैंक चोर 2017 दिल बेचारा 2020 कुल्ली नंबर वन 2020 में भी देखा गया था उसके बाद दोस्तों अभिनेता सौरभ शुक्ला जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं एक भारतीय अभिनेता और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार अभिनेता पाठक फिल्म निर्देशक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करता है वह सत्य ना, नायक द रियल हीरो 2001 युवा 2004 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 हजार में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हासिल किया था 2012 में चाली और एल एल बी दो हजार तेरह की दो हजार चौदह पी के दो हजार चौदह और जाली एल, एल एल बी टू दो हजार सत्रह और रेड दो हजार अठारह उन्होंने गोवा में आगे अग्निहोत्री और र, राचेला अग्निहोत्री के साथ लघु चित्रित किया किया गया था 2014 में उन्होंने जाली और एलएलबी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और दोस्तों बात की जाए शुक्ला जो कि भारत की पहली महिला और तबला वादक थी जो कि के गायक और शत्रुधन शुक्ला के घर जन्मे जब शुक्ला ने दो साल के थे जब उन्होंने अपना परिवार गोरखपुर छोड़कर दिल्ली चला गया था शुक्ला ने उन्नीस सौ छियासी की ए, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज अर्थत तो मिलकर और लुक बैंक इन एंगर और जान अब्राहम जान ओसा ब्रोन और घासी राम कोटा वाला विजय तेलुगु विजय तेंदुलकर और हेवान दान जैसे नाटकों से भूमिकाओं के साथ गंभीर थिएटर की शुरुआत की थी उन्नीस सौ इक्यानवे में वह एक अभिनेता के रूप में एन एस डी रिपोर्टर कंपनी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पेशावर शाखा में शामिल हो गए थे अगले वर्ष उन्होंने पहला ब्रेक तब मिला जब शेखर कपूर ने उनके काम से प्रभावित होकर बैटी बैंडिट और क्वीन में उनके लिए एक भूमिका निभाई थी शुक्ला ने उन्नीस सौ चौरानवे की दूरदर्शन दस, में अपराध नाटक तहक, और तहक में आनंद के सहायक गोपी की भूमिका निभाई सृज की निर्देशक और करण राजदान ने किया था लेकिन दोस्तों पहले एपिसोड का निर्देशक कपूर ने किया था उन्होंने जी टीवी के मालावार हिल में लेख और अभिनय किया वह उन्नीस सौ नब्बे के दशक में दूरदर्शन टीवी दराई को मुल्ला नसरुद्दीन में एक अमीर जासूस और सरदार का जासूस एक छोटी भूमिका निभाए छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने भूमिका रघु रघुन्द्र यादव थे और सिर, सिरिज मुल्ला नसरुद्दीन की लोकनिकता लोक कथाओं पर आधारित ही और शुक्ला थिएटर प्ले टू टू और टेंगो रामगोपाल वर्मा की उन्नीस सौ अंठानवे की कॉल्ट क्लासिक सत्या की कथा से लेखक किया और फिर फिल्म गैंगस्टर कल्लू मामा का भी भूमिका निभाई उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ सर्वश्रेष्ठ पाठक कथा के लिए स्टार स्क्रीनिंग अवार्ड जीता था उन्होंने सन 2000 में रेडिफ डॉट कॉम को एक में कहा कि मैं सत्या जैसी वादी फिल्मों में बनाता हूं और इस क्योंकि इसी तरह फिल्म मुझे करना पसंद है वास्तविक को पकड़ना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है उसी स्क्रिप्ट उसे सचताकार में उन्होंने फिल्म इबान की इमान की अपनी पसंदीदा शैली और कॉमेडी के बारे में भी बात की है। हाटिया ने अभिनय किया था। यह फिल्म एक स्ट्रीट स्मार्ट महिला बॉबली का यात्रा का अनुसरण करती है जो नाइट क्लब में बाउंसर बन जाती है रोमांच एक्शन और रहस्य क्षणों के मिशन के लिए साथ में शक्तिकरण और लच्ची लेपन के विषय के पड़ताल करती है मेसे समीक्षा प्राप्त करते हुए बॉबली बांसर तमन्ना भाटिया की प्रतिभा को प्रसिद्ध प्रदर्शित करता है और दर्शकों के लिए आकर्षक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है इसी का प्रीमियम 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था फिल्म का डायरेक्टर बॉबली बांसर का डायरेक्टर मधुर भांडाकर भंडाकर ने डायरेक्टर किया था फिल्म में तान्ना भाटिया अभिषेक बबजाज साहिल वैद और सनंद सन, वर्मा दिखाई देंगे तेईस सितंबर 2022 को रिलीज हुई बॉबली बाउंसर मूवी का रनर टाइम एक से अठारह मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि बबली तनवर और बबली बाउंसर के रूप में दिखाई देगी और अभिषेक बबजा जो कि विराज कौशिक के रूप में है फिल्म में बांसर की रूप, सुपर स्टार अभिनेत्री बब्ली सुपर स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया तमन्ना के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से तेलुगु तमिल हिंदू हिंदी फिल्मों में काम करती है पैंसठवें फिल्मों से अधिक फिल्म में काम किया है और उन्होंने कई प्रशंसा हासिल की है जिनमें से कलाई मनी और आई 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 एम पुरस्कार सीमा जीता था और साथ ही दोस्तों फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए आठ नामांकन और सैटर्न अवार्ड्स के लिए और एक नामांकन भी शामिल है तमन्ना भाटिया ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सर रोशन चेहरा 2005 से की और इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में श्री और तमिल सिनेमा में कैडी 2006 से डेब्यू किया था सात में उन्होंने कॉलेज जीवन पर आधारित दो ड्रामा फिल्मों तेलुगु में हैप्पी डेज और तमिल में कल्लोरी में अभिनय किया था तेलगु सिनेमा में अभिनेत्री तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने उल्लेखनीय फिल्मों में कौन कैम स्टम और कौन कैम कस्टम 2009 में लॉस 100% परसेंट लव दो हजार जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है 2005 में उन्होंने अजित सावंत के अपकाशा अभिजित एल्बम गाने में लफ्जों में दिखाया गया था इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म चांदसा रोशन चेहरा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना शुरुआत किया था जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसी वर्ष उन्होंने श्री के साथ तेलुगु सिनेमा और 2006 में कैडी के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत किया था 2007 में उन्होंने पहली रिलीज शक्ति और दिल दी और चिदम चिदम्बर में ब्याम्बरी थी और जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी लेकिन दोस्तों तमन्ना भाटिया को उनके प्रदर्शन के लिए प्रसांस मिली और उन्होंने शेखर कमल्ला की हैप्पी डेज में बालाजी शक्ति वेल की कल्लूरी से सफलता मिली और दोनों ने तमन्ना भाटिया ने एक कले छात्रा की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने दो फिल्मों में अपने अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रोत्साहन हासिल किया था हैप्पी डेज की, की रूप से सफलता से सफलता कल्लूरी ने आ, ने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर स्थापित किया था 2008 में उनकी पहली उपस्थिति जी रविचरण की रेड रविचरण रेड्डी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म काली दासो में थी और फिल्म को मध्यम समीक्षक मिली थी जबकि दोस्तों आलोचकों ने उनके अच्छे लुक और रोमांटिक अपील को स्वीकार किया था और उन्होंने लगा कि उनके प्रदर्शन द्वारा था यह फिल्म जबकि बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी बाद में दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्म रेडी में एक कैमियो की भूमिका निभाई जो कि इसके बाद तेलुगु तमिल द्विभाषी निन्ना नेदू नेदुरेपू नेदु में एक और कैमियो की भूमिका निभाया था जिसका तमिल और शीर्षक नेद्रो इंद्रु नलाई था अभिनेत्री तमन्ना भाटिया 2009 में पहली रिलीज तमिल फिल्म कदन थी जिसका निर्देशक सूरज ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि फिल्म बबली बाउंसर में फरवरी 2022 को तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाने की पुष्टि की गई थी महीने अभिषेक बबजाज को कलाकारों का हिस्से बनने की पुष्टि की गई थी और फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में हुआ था फिल्म के निर्माताओं ने फिल्मांकन शुरू होने के बाद टीम ने एक मुहर्रत पूजा व्यवस्था की थी फिल्म की फिल्म फोटोग्राफी फरवरी 2022 को माध्यम से शुरू हुआ था और पहला शेड्यूल पंजाब के मोहाली में हुआ था एक आउट एक आउटडोर शूट के साथ ए, उनके बाद नई दिल्ली और बीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया था अंतिम शेड्यूल बाईस अप्रैल दो हज़ार बाईस को मुंबई में हुआ था फिल्म की शूटिंग पाँच मई दो हज़ार बाईस को हुई और मुंबई में पूरी की गई थी फिल्म के गाने तनसिक बक्सी और करण मल्होत्रा ने कंपोज किया था गाने के बोल तनसिक बग्सी और शब्बीर अहमद ने और मानस मानस्वी मोहता ने लिखे थे फिल्म बॉबली बांसर का प्रीमियर तेईस अगस्त तेईस सितंबर 2022 को सीधे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर किया गया है बॉबली बांसर फिल्म का स्वागत निश्चित रहा है और आलोचकों ने फिल्म पर अलग राय पेश की है और जहां कुछ समीक्षकों ने फिल्म के पहलुओं की प्रशंसा की है वहीं दोस्तों अन्य पाया कि कुछ क्षेत्रों में इसमें, कभी, इसमें कमी है और द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में तमन्ना भाटिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद फिल्म को नारीवादी कथा पर एक कमजोर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था समीक्षकों से फिल्म के नारीवादी विषय के कारण कमजोर निष्पादन पर, निश्पादन पर प्रकार डाला गया था और इसके संग्राम प्रभाव को आलोचना की गई थी जिससे दोस्तों इसे 1.5 स्टार रेटिंग मिली और इसी तरह एनडीटीवी के समीक्षक ने कमजोर निष्पादन की भावना को प्रतिध्वनि किया और जिसने कहा कि महिला स्वस्थ स्वस्थिकरण को चित्रित करने का फैसला किया था और इसी प्रयास कमजोर और समीक्षा में तमन्ना भाटिया के प्रदर्शन का सराहना की थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कमजोर कहानी की आलोचना की गई और इसे पांच में से वन पॉइंट स्टार दिए थे वही दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो फिल्म बॉलीवुड के फिल्म में काम करती है बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अभिषेक बबजाज जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से जिन्होंने वर्ष की 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने अभिनय करने की चंडीगढ़ से आशिकी नामक की फिल्म से सैंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है बबजाज ने उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू दो हजार उन्नीस से किया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ, सुतारिया अनन्या पांडे ने अभिनय किया था जहां उन्होंने दोस्तों अभिषेक शर्मा द्वारा किरदार निभाया और उन्होंने बबजाज विद नाम से एक कॉमेडी वेब सीरीज की भूमिका निभाई और वह उनकी न्यूनतम फिल्म द काइन और भी अफरोज अभिनी वर्ष 2021 हजार इक्कीस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी बात की जाए दोस्तों फिल्म बाउंसर जो कि कहानी की तो फिल्म में बॉबली थार जो कि दमना भाटिया दिल्ली के पास एक छोटे गांव में असोल्ला फतेह फतेहपुर और एक अशिक्षित युवा लड़की है जहां ज्यादातर लोग बाउंसर हैं और उन्होंने तो योग्य उम्र होने के बावजूद बबली ने अभी भी अपनी दसवीं कक्षा की पूरी नहीं की है और उन्होंने शिक्षक का उपन्ना ड्राम उससे बहुत परेशान है और उसे हे दृष्टि से देखते हैं और बबली बबली ने बचपन से ही बाउंसर बनने की ट्रेनिंग भी ली रही थी सरपंच की बेटी की शादी में बबली की मुलाकात ड्रम के बेटा से विराज कौशिक अभिषेक बबजा से होती है जहाँ हाल ही में पाँच साल की पढ़ाई के बाद लंदन से लौटता है और बबली को उस पर क्रॉस हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है सिंकु बिराज दिल्ली में रहता है और इसलिए बबली उससे मिलने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रही है उसी समय दोस्तों बबली को शादी के प्रस्ताव मिलने लगते हैं और बबली उन सभी को ठुकराने में सफल हो जाती है क्योंकि वह विराज को पसंद करती है बबली बचपन का दोस्त किक्को साहिल वैद जो लंबे समय से उस पर क्रॉस है और उसे पता चलता है कि उसे शादी के प्रभावित मिल रहे हैं और दोस्तों वह और असुर असुरक्षित महसूस करता है इसलिए वह उसका परिवार बबली के परिवार के पास भी उनकी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं बबली का परिवार कोकू को पसंद करता है लेकिन वह उसे दोस्त मानती है यह महसूस करने के बाद कि कोकू दिल्ली के एक नाइट क्लब में स्पॉन्सर के रूप में काम करता है बबली ने खुद को दिल्ली लाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था वह कोकू को पसंद करने का नाटक करती है और उसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी दिलाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो एक साल बाद अपनी शादी के बारे में चर्चा कर सकें कर सकते हैं और कुकु ने कुकु के नाइट क्लब में महिला एक महिला बाउंसर की नियुक्ति हुई थी और इसलिए उसने उसे अपने क्लब में भेजा दिया था और उसे नौकरी मिल गई थी दिल्ली की दिल्ली में बबली की विराज से कई बार मुलाकात होती है विराज की जन्मदिन की पार्टी में नशे में थूत बबली विराज को के सामने अपने दिल की बात कबूल करती है विराज बबली को स्वीकार करता है, कर देता है और अशिक्षित और अभ्य असभ्य होने के कारण उसका अपमान करता है बबली का दिल टूट जाता है और वह विराज से अपना रिश्ता तोड़ देती है विराज की बातें सुनकर बबली विराज को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए खुद को बदलने बदलने और अपनी स्थिति में सुधार करने का फैसला करती है वहीं दोस्तों अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कक्षा में दाखिला लेती है अंग्रेजी सीखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है विराज और उसके दोस्त बबली के क्लब में जाते हैं और उसका जिस दौरान उसका कई हाई प्रोफाइल राजनेता के बेटे के साथ झड़प होता है प्ले बाय विराज के सिर पर बंदूक तान देता है और उसके और उसे जान से मारने की धमकी देता है बबली घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने साहस और दिमाग से इसे शांति से हल करने में सक्षम होती है विराज बहुत तो प्रभावित हो जाता है और उसे उससे स्वीकार करने का प्रस्ताव होता है वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसका दिल वापस जीतने की कोशिश करता है बबली कई बार उससे बचने की कोशिश करती है और अंत उसे यह कहते हुए कि आविष्कार कर देती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती क्लब में एक और रात गैंगस्टर ने चुपके से एक महिला ग्राहक का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की या उसे मारने की योजना बनाकर भाग गए थे अभिनेत्री बॉबली बाउंसर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बॉबली का एक घटना का दिखती है और इस लड़की को बचाने का फैसला करती है वह सड़क पर सभी बदमाशों को हरा देती है और इस लड़की को बचा लेती है वह घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई बबली अचानक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रियता हो गई उनके राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें वित्रता पदक से सम्मानित किया गया था और दोस्तों बात की जाए अभिनेता साहिल वैद्य साहिल वैद्य जो कि यह एक भारतीय अभिनेता ड्रॉविंग कलाकार और अभिनेता है जिन्होंने बिट्टू बिट्टू बास की 2012 की हम्पी शर्मा की दुल्हनिया और बैंक चोर 2017 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 जो कि दिल बेचारा 2020 और उनकी भूमिकाओं के लिए दो जाना जाता है कुल्ली नंबर वन 2020 और 2005 में उनकी तेलुगु छात्रपति की रीमेक है 12 मई 2023 को रिलीज हुई थी और अभिनेता वैद्य ने पिछले 17 वर्षों में कई नाटकों में अभिनय किया है उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत स्कूल थिएटर से की और जिसने उन्नीस सौ सन्तानवे में पेशावर रूप से स्टेज शो के लिए अभिनय किया था उन्होंने 2012 में बिट्टू बास के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और अपने कैरियर के में साहिल को पहले ऑनलाइन एस्टेंट ऑफ कॉमेडियन शो हिंद में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इसके बाद वह हमपर शर्मा की दुल्हनिया 2014 और में अभिनय करने के बाद प्रमुखता से उभरे उन्होंने बिट्टू बास 2012 बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 बैंक चोर 2017 दिल बेचारा 2020 कुल्ली नंबर वन 2020 में भी देखा गया था उसके बाद दोस्तों अभिनेता सौरभ शुक्ला जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं एक भारतीय अभिनेता और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार अभिनेता पाठकता और फिल्म निर्देशक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करता है वह सत्य ना, नायक द रियल हीरो 2001 युवा 2004 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 हजार में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हासिल किया था 2012 में चाली और एल एल बी दो हजार तेरह की दो हजार चौदह पी के दो हजार चौदह और जाली एल एल बी टू दो हजार सत्रह और रेड दो हजार अठारह उन्होंने गोवा में रुथ आगे अग्निहोत्री और रा, राचेला अग्निहोत्री के साथ लघु वृद्धि चित्रित किया गया किया था 2014 में उन्होंने जाली और एलएलबी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और दोस्तों बात की जाए शुक्ला जो कि भारत की पहली महिला और तबला वादक थी जो कि के गायक और शत्रुधन शुक्ला के घर जन्मे जब शुक्ला ने दो साल के थे जब उन्होंने अपना परिवार गोरखपुर छोड़कर दिल्ली चला गया था शुक्ला ने उन्नीस सौ छियासी की ए, ए मिलकर और लुक बैंक इन एंगर और जॉन अब्राहम जॉन ओसब्रोन ब्रोन और घासी राम कोटा वाला विजय तेलुगु विजय तेंदुलकर और हेवनदान जैसे नाटकों से भूमिकाओं के साथ गंभीर थिएटर की शुरुआत की थी उन्नीस सौ इक्यानवे में वह एक अभिनेता के रूप में एनएसडी रिपोर्टर कंपनी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पेशावर शाखा में शामिल हो गए थे अगले वर्ष उन्होंने पहला ब्रेक तब मिला जब शेखर कपूर ने उनके काम से प्रभावित होकर बैटी बैंडिट और क्वीन में उनके लिए एक भूमिका निभाई थी शुक्ला ने उन्नीस सौ चौरानवे की दूरदर्शन दस, में अपराध नाटक तहक और तहक में विजय आनंद के सहायक गोपी की भूमिका निभाई सृज की निर्देशक और करण राजदान ने किया था लेकिन दोस्तों पहले एपिसोड का निर्देशक कपूर ने किया था उन्होंने जी टीवी के नौ हिल में लेख और अभिनय किया वह उन्नीस सौ नब्बे के दशक में दूरदर्शन टीवी वी को मुला नसरुद्दीन में एक अमीर जासूस और सरदार का जासूस एक छोटी भूमिका निभाए छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने भूमिका रघु रघुन्द्र यादव थे और सिरिज मुल्ला नसरुद्दीन की लोकनिक लोक कथाओं पर आधारित ही और शुक्ला थिएटर प्ले टू टू और टेंगो राम गोपाल वर्मा की उन्नीस सौ अंठानवे की कॉल्ट क्लासिक सत्या की कथा से लेखक किया और फिर फिल्म गैंगस्टर कल्लू मामा का भी भूमिका निभाई उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ सर्वश्रेष्ठ पाठक कथा के लिए स्टार स्क्रीनिंग अवार्ड जीता था उन्होंने सन 2000 में रेडिफ डॉट कॉम को एक क्लब बनाता हूं और इस क्योंकि इसी तरह फिल्म मुझे करना पसंद है वास्तविक को पकड़ना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है उसी स्क्रिप्ट उसे सचताकार में उन्होंने फिल्म इरबान की इरबान की अपनी पसंदीदा शैली और कॉमेडी के बारे में भी बात की है 18 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि बब्ली बबली, ता, बबली तनवर और बबली बाउंसर के रूप में दिखाई देगी और अभिषेक बबजा जो कि विराज कौशिक के रूप में है फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री बॉब्ली बाउंसर की सुपरस्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमन्ना भाटिया एक जिन्हें मुख्य रूप से तमन्ना के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से तेलुगू तमिल हिंदू हिंदी फिल्मों में काम करती है पैंसठवीं फिल्मों से अधिक फिल्म में काम किया है और उन्होंने कई प्रशासन हासिल की है जिनमें से कलाई मनी और आई आई आई, आई एम पुरस्कार सीमा जीता था और साथ ही दोस्तों फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए आठ नामांकन और सेटर्न अवार्ड्स के लिए और एक नामांकन भी शामिल है तमन्ना भाटिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा 2005 से की और इसके बाद उन्होंने तेलुगु और तमिल सिनेमा में 2006 से डेब्यू किया था 2007 में उन्होंने कॉलेज जीवन पर आधारित दो ड्रामा फिल्मों तेलुगू में हैप्पी डेज और तमिल में कलोरी में अभिनय किया था तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने उल्लेखनीय फिल्मों में कौन कैम स्टम और कौन कैम कस्तम 2009 में लव 100% परसेंट लव दो जैसी एक, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है 2005 में उन्होंने अजित सावंत के अपकाशा अभिजीति एल्बम गाने में लफ्जों में दिखाया गया था इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म चांदसा रोशन चेहरा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना शुरुआत किया था जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसी वर्ष उन्होंने श्री के साथ तेलुगु सिनेमा और 2006 में कैडी के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत किया था 2007 में उन्होंने पहली रिलीज शक्ति और दिल दी और चिदम्बिदम्बर में ब्यांबरी थी और जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी लेकिन दोस्तों तमन्ना भाटिया को उनके प्रदर्शन के लिए प्रसांस मिली और उन्होंने शेखर कमल्ला की हैप्पी डेज में बा, बालाजी शक्ति वेल की कल्लूरी से सफलता मिली और दोनों ने तमन्ना भाटिया ने एक कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने दो फिल्मों में अपने अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रोत्साहन हासिल किया था हैप्पी डेज की, की रूप से सफलता से सफलता कल्लुरी ने आ, ने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर स्थापित किया था 2008 में उनकी पहली उपस्थिति जी रविचरण की रेड, रविचरण रेड्डी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म काली दासू में थी और फिल्म को मध्यम समीक्षक मिली थी जबकि दोस्तों आलोचकों ने उनके अच्छे लुक और रोमांटिक अपील को स्वीकार किया था और उन्होंने लगा कि उनके प्रदर्शन द्वारा सीमित था यह फिल्म जबकि बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी बाद में दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्म रेडी में एक कैमियो की भूमिका निभाई जो कि इसके बाद तेलुगु तमिल द्विभाषी निन्ना नेदू रेपु में एक और कैमियो की भूमिका निभाया था जिसका तमिल और शीर्षक नेद्रो इंद्रु नलाई था अभिनेत्री तमन्ना भाटिया 2009 में पहली रिलीज तमिल फिल्म कदन थी जिसका निर्देशक सूरज ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि फिल्म बबली बाउंसर में फरवरी 2022 को तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाने की पुष्टि की गई थी महीने अभिषेक बबजाज को कलाकारों का हिस्से बनने की पुष्टि की गई थी और फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में हुआ था फिल्म के निर्माताओं ने फिल्मांकन शुरू होने के बाद टीम ने एक मुहर्रत व्यवस्था की थी फिल्म की फिल्म फोटोग्राफी फरवरी 2022 को माध्यम से शुरू हुआ था और पहला शेड्यूल पंजाब के मोहाली में हुआ था एक आउट एक आउटडोर शूट के साथ ए, उनके बाद नई दिल्ली और बीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया था अंतिम शेड्यूल बाईस अप्रैल दो हज़ार बाईस को मुंबई में हुआ था फिल्म की शूटिंग पाँच मई दो हज़ार बाईस को हुई और मुंबई में पूरी की गई थी फिल्म के गाने तनसिक बक्सी और करण मल्होत्रा ने कंपोज किया था गाने के बोल तनशिक बक्सी और शब्बीर अहमद ने और मानस मानस्वी मोहत्रा ने लिखे थे फिल्म बॉबली बांसर का प्रीमियर तेईस तेईस सितंबर दो को सीधे ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर किया गया है बॉबली बांसर फिल्म का स्वागत निश्चित रहा है और आलोचकों ने फिल्म पर अलग राय पेश की है और जहां कुछ समीक्षकों ने फिल्म के पहलुओं की प्रशंसा की है वहीं दोस्तों अन्य पाया कि कुछ क्षेत्रों में इसमें, कभी, इसमें कमी है और द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में तमन्ना भाटिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद फिल्म को नारीवादी कथा पर एक कमजोर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था समीक्षकों से फिल्म के नारीवादी विषय के कारण कमजोर निष्पादन पर, निश्पादन पर प्रकार डाला गया था और इसके संग्राम प्रभाव को आलोचना की गई थी जिससे दोस्तों इसे 1.5 स्टार रेटिंग मिली और इसी तरह एनडीटीवी के समीक्षक ने कमजोर निष्पादन की भावना को प्रतिध्वनि किया और जिसने कहा कि महिला स्वास्थ्य स्वस्थिकरण को चित्रित करने का फैसला किया था और इसी प्रयास कमजोर और समीक्षा में तमन्ना भाटिया के प्रदर्शन का सराहना की थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कमजोर कहानी की आलोचना की गई और इसे पांच में से वन पॉइंट स्टार दिए थे वही दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो फिल्म बॉलीवुड के फिल्म में काम करती है बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अभिषेक बबजाद जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से जिन्होंने वर्ष की 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने अभिनय करने की चंडीगढ़ से आशिकी नामक की फिल्म से सैंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है बबजाज ने उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू दो हजार उन्नीस से किया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ, श्रॉफारिया अनन्या पांडे ने अभिनय किया था जहां उन्होंने दोस्तों अभिषेक शर्मा द्वारा किरदार निभाया और उन्होंने बबजाज विद नाम से एक कॉमेडी वेब सीरीज की भूमिका निभाई और वह उनकी न्यूनतम फिल्म द काइन और भी अफरोज अभिनी वर्ष 2021 हजार इक्कीस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी बात की जाए दोस्तों फिल्म बाउंसर जो कि कहानी के तो जो की तो फिल्म में बॉबली थार जो कि दमन्ना भाटिया दिल्ली के पास एक छोटे गांव में फते फतेह फतेहपुर और एक अशिक्षित युवा लड़की है जहां ज्यादातर लोग बाउंसर हैं और उन्होंने तो योग्य उम्र होने के बावजूद बबली ने अभी भी अपनी दसवीं कक्षा की पूरी नहीं की है और उन्होंने शिक्षक का उपन्ना ड्राम उससे बहुत परेशान है और उसे हे दृष्टि से देखते हैं और बबली बबली ने बचपन से ही बाउंसर बनने की ट्रेनिंग भी ली रही थी सरपंच की बेटी की शादी में बबली की मुलाकात ड्रम के बेटा से विराज कौशिक अभिषेक बबजा से होती है जहाँ हाल ही में पाँच साल की पढ़ाई के बाद लंदन से लौटता है और बबली को उस पर क्रॉस हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है बिराज दिल्ली में रहता है और इसलिए बबली उससे मिलने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रही है। उसी समय दोस्तों बबली को शादी के प्रस्ताव मिलने लगते हैं और बबली उन सभी को ठुकराने में सफल हो जाती है क्योंकि वह बिराज को पसंद करती है बबली बचपन का दोस्त किक्को साहिल वैद्य जो लंबे समय से उस पर क्रॉस है और उसे पता चलता है कि उसे शादी के प्रभावित मिल रहे हैं और दोस्तों वह और असुर असुरक्षित महसूस करता है इसलिए वह उसका परिवार बबली के परिवार के पास भी उनकी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं बबली का परिवार कुक् को पसंद करता है लेकिन वह उसे दोस्त मानती है यह महसूस करने के बाद कि कोक्को दिल्ली के एक नाइट क्लब में स्पॉन्सर के रूप में काम करता है बबली ने खुद को दिल्ली लाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था वह कुक्कु को पसंद करने का नाटक करती है और उसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी दिलाने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो एक साल बाद अपनी शादी के बारे में चर्चा कर सके कर सकते हैं और कुकु ने कुकु के नाइट क्लब में महिला एक महिला बाउंसर की नियुक्ति हुई थी और इसलिए उसने उसे अपने क्लब में भेजा दिया था और उसे नौकरी मिल गई थी दिल्ली की दिल्ली में बॉबली की विराज से कई बार मुलाकात होती है विराज की जन्मदिन की पार्टी में नशे में थूत बबली विराज को के सामने अपने दिल की बात कबूल करती है बबली को करता है कर देता है और अशिक्षित और अभ्य असभ्य होने के कारण उसका अपमान करता है बबली का दिल टूट जाता है और वह विराज से अपना रिश्ता तोड़ देती है विराज विराज की बातें सुनकर बबली को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए खुद को बदलने बदलने और अपनी स्थिति में सुधार करने का फैसला करती है वहीं दोस्तों अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कक्षा में दाखिला लेती है अंग्रेजी सीखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है विराज और उसके दोस्त बबली के क्लब में जाते हैं और उसका जिस दौरान उसका कई हाई प्रोफाइल राजनेता के बेटे के साथ झड़प होता है प्ले बाय विराज के सिर पर बंदूक तान देता है और उसके और उसे जान से मारने की धमकी देता है बबली घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने साहस और दिमाग से इसे शांति से हल करने में सक्षम होती है विराज बहुत तो प्रभावित हो जाता है और उसे उससे स्वीकार करने का प्रस्ताव होता है वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसका दिल वापस जीतने की कोशिश करता है बबली कई बार उससे बचने की कोशिश करती है और अंत उसे यह कहते हुए कि आविष्कार कर देती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती क्लब में एक और रात गैंग ने चुपके से एक महिला ग्राहक का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की या उसे मारने की योजना बनाकर भाग गए थे अभिनेत्री बॉबली बाउंसर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बॉबली का एक घटना का दिखती है और इस लड़की को बचाने का फैसला करती है वह सड़क पर सभी बदमाशों को हरा देती है और इस लड़की को बचा लेती है वह घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई बबली अचानक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रियता हो गई उनके राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें वित्रता पदक से सम्मानित किया गया था और दोस्तों बात की जाए अभिनेता साहिल वैद साहिल वैद जो कि यह एक भारतीय अभिनेता, ड्राइंग कलाकार और अभिनेता है, जिन्होंने विद्यु विद्यु बास की 2012 की हांपी शर्मा की दुल्हनिया और बैंक चोर 2017 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 जो कि दिल बेचारा 2020 और उनकी भूमिकाओं के लिए 20 जाना जाता है कुल्ली नंबर वन 2020 और 2005 में उनकी तेलुगु छात्रपति की रीमेक है 12 मई 2023 को रिलीज हुई थी और अभिनेता वैद ने पिछले सत्रह वर्षों में कई नाटकों में अभिनय किया है उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्कूल थिएटर से की और जिसने उन्नीस सौ संतानवे में पेशावर रूप से स्टेज शो के लिए अभिनय किया था उन्होंने 2012 में बिट्टू बास के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और अपने कैरियर के शुरुआत में साहिल को पहले ऑनलाइन एस्टेंट ऑफ कॉमेडियन शो हिंद में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इसके बाद वह हम पर शर्मा की दुल्हनिया 2014 और में अभिनय करने के बाद प्रमुखता से उभरे उन्होंने बिट्टू बास 2012 बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 बैंक चोर 2017 दिल बेचारा 2020 कुल्ली नंबर वन 2020 में भी देखा गया था उसके बाद दोस्तों अभिनेता सौरभ शुक्ला जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं एक भारतीय अभिनेता और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार अभिनेता पाठक फिल्म निर्देशक है जो हिंदी फिल्म में काम करते हैं कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करता है वह ना, नायक द रियल हीरो 2001 युवा 2004 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 हजार में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हासिल किया था 2012 में चाली और एलएलबी 2013 की 2014 हजार चौदह पीके और जाली एलएलबी 2 2017 और रेड 2018 उन्होंने गोवा में रुथ आगे अग्निहोत्री और र, राचेला अग्निहोत्री के साथ लघु चित्रित किया किया गया था 2014 में उन्होंने जाली और एलएलबी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और दोस्तों बात की जाए शुक्ला जो कि भारत की पहली महिला और तबला वादक थी जो कि की घराने के गायक और शत्रुधन शुक्ला के घर जन्मे जब शुक्ला ने दो साल के थे जब उन्होंने अपना परिवार गोरखपुर छोड़कर दिल्ली चला गया था शुक्ला ने उन्नीस सौ छियासी की ए, ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज अर्थत्व मिलकर और लुक बैंक इन एंगर और जान अब्राहम जान ओसब्रोन और घसी राम कोटावाला विजय तेलुगु विजय तेंदुलकर और हेवान दान जैसे नाटकों से भूमिकाओं के साथ गंभीर थिएटर की शुरुआत की थी उन्नीस सौ इक्यानवे में वह एक अभिनेता के रूप में एन एस डी रिपोर्टर कंपनी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पेशावर शाखा में शामिल हो गए थे अगले वर्ष उन्होंने पहला ब्रेक तब मिला जब शेखर कपूर ने उनके काम से प्रभावित होकर बैटी बैंडिट और क्वीन में उनके लिए एक भूमिका निभाई थी शुक्ला ने उन्नीस सौ चौरानबे की दूरदर्शन दस, में अपराध नाटक तहक और तहक में विजय आनंद के सहायक गोपी की भूमिका निभाई सृज की निर्देशक और करण राजदान ने किया था लेकिन दोस्तों पहले एपिसोड का निर्देशक कपूर ने किया था उन्होंने जी टीवी के नौ हिल में लेख और अभिनय किया वह उन्नीस सौ नब्बे के दशक में दूरदर्शन टीवी दराई को मुला नसरुद्दीन में एक अमीर जासूस और सरदार का जासूस एक छोटी भूमिका निभाए छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने भूमिका रघु रघुन्द्र यादव थे और सीरीज मुल्ला नसरुद्दीन की लोकनिकता लोक कथाओं पर आधारित ही और शुक्ला थिएटर प्ले टू टू और टेंगो रामगोपाल वर्मा की उन्नीस सौ अंठानवे की कॉल्ट क्लासिक सत्या की कथा से लेखक किया और फिर फिल्म गैंगस्टर कल्लू मामा का भी भूमिका निभाई उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ सर्वश्रेष्ठ पाठक कथा के लिए स्टार स्क्रीनिंग अवार्ड जीता था उन्होंने सन 2000 में रेडिफ डॉट कॉम को एक सचताकार में कहा कि मैं सत्या जैसी यथार्थवादी तो फिल्मों में क्लब बनाता हूं और इस क्योंकि इसी तरह फिल्म मुझे करना पसंद है वास्तविक को पकड़ना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है उसी स्क्रिप्ट उसे सचताकार में उन्होंने फिल्म निर्माण की निर्माण की अपनी पसंदीदा शैली और कॉमेडी के बारे में भी बात की है शिक्षा प्राप्त करते हुए बॉब्ली बांसर तमन्ना भाटिया की प्रतिभा को प्रसिद्ध प्रदर्शित करता है और दर्शकों के लिए आकर्षक और मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है इसी का प्रीमियन 23 सितंबर 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था फिल्म का डायरेक्टर बॉबली बाउंसर का डायरेक्टर मधुर भांडाकर भंडाकर ने डायरेक्ट किया था फिल्म में तान्ना भाटिया अभिषेक बबजाज साहिल वैद और सनंद सन, वर्मा दिखाई देंगे तेईस सितंबर 2022 को रिलीज हुई बॉबली बाउंसर मूवी का रनर टाइम एक से अठारह मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी और दोस्तों बात की जाए फिल्म की तो यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि बबली तनवर और बबली बाउंसर के रूप में दिखाई देगी और अभिषेक बबजा जो कि विराज कौशिक के रूप में हैं। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री बबली बाउंसर की सुपर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से एक रूप से तमन्ना भाटिया के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से तेलुगु तमिल हिंदू हिंदी फिल्मों में काम करती है पैंसठवें फिल्मों से अधिक फिल्म में काम किया है और उन्होंने कई प्रशंसा हासिल की है जिनमें से कलाई मनी और आई 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 एम पुरस्कार सिमा जीता था और साथ ही दोस्तों फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए आठ नामांकन और सेटर्न अवार्ड के लिए और एक नामांकन भी शामिल है तमन्ना भाटिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सर रोशन चेहरा 2005 से की और इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में श्री 2005 और तमिल सिनेमा में कैडी 2006 से डेब्यू किया था 2007 में उन्होंने कॉलेज जीवन पर आधारित दो ड्रामा फिल्मों तेलुगु में हैप्पी डेज और तमिल में कलोरी में अभिनय किया था तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तेलुगु सिनेमा में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने उल्लेखनीय फिल्मों में कौन कैम स्टम और कौन कैम कस्टम 2009 में लॉस 100% परसेंट लव दो हजार जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है 2005 में उन्होंने अजित सावंत के अपकाशा अभिजीति एल्बम गाने में लफ्जों में दिखाया गया था इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म चांदसा रोशन चेहरा में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपना शुरुआत किया था जो दुर्भाग्य से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसी वर्ष उन्होंने श्री के साथ तेलुगु सिनेमा और 2006 में कैडी के साथ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत किया था 2007 में उन्होंने पहली रिलीज शक्ति और दिल दी और चिं चिदम्बर में बरी थी और जिसमें उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी लेकिन दोस्तों तमन्ना भाटिया को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशांस मिली और उन्होंने शेखर कमल्ला की हैप्पी डेज में बालाजी शक्ति वेल की कल्लूरी से सफलता मिली और दोनों ने तमन्ना भाटिया ने एक कलेज छात्रा की भूमिका निभाई जो कि उन्होंने दो फिल्मों में अपने अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रोत्साहन हासिल किया था हैप्पी डेज की व्यावसायिक रूप से सफलता से कल्लुरी ने कल्लूरी ने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर स्थापित किया था 2008 में उनकी पहली उपस्थिति जी रविचरण की रेड, रविचरण रेड्डी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म में थी और फिल्म को मध्यम समीक्षा मिली थी जबकि दोस्तों ने उनके अच्छे लुक और रोमांटिक अपील को स्वीकार किया था और उन्होंने लगा कि उनके प्रदर्शन द्वारा सीमित था यह फिल्म जबकि बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी बाद में दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्म रेडी में एक कैमियो की भूमिका निभाई जो कि इसके बाद तेलुगु तमिल द्विभाषी निन्ना नेदू रेपू में एक और कैमियो की भूमिका निभाया था जिसका तमिल और शीर्षक नेद्रो इंद्रु नलाई था अभिनेत्री तमन्ना भाटिया 2009 में पहली रिलीज तमिल फिल्म कदम थी जिसका निर्देशक सूरज ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि फिल्म बबली बाउंसर में फरवरी 2022 को तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाने की पुष्टि की गई थी महीने अभिषेक बबजाज को कलाकारों का हिस्से बनने की पुष्टि की गई थी और फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में हुआ था फिल्म के निर्माताओं ने फिल्मांकन शुरू होने के बाद टीम ने एक मुहर्रत पूजा व्यवस्था की थी फिल्म की फिल्म फोटोग्राफी फरवरी 2022 को माध्यम से शुरू हुआ था और पहला शेड्यूल पंजाब के मोहाली में हुआ था एक आउट एक आउटडोर शूट के साथ ए, उनके बाद नई दिल्ली और बीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया था अंतिम शेड्यूल बाईस अप्रैल दो हज़ार बाईस को मुंबई में हुआ था फिल्म की शूटिंग पाँच मई दो हज़ार बाईस को हुई और मुंबई में पूरी की गई थी फिल्म के गाने तनसिक बक्सी और करण मल्होत्रा ने कंपोज किया था गाने के बोल तनसिक बक्सी और शब्बीर अहमद दे और मानस मानसवी मोहता ने लिखे थे फिल्म बॉबली बांसर का प्रीमियर तेईस सितंबर दो हजार बाईस को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर किया गया है बॉबली बांसर फिल्म का स्वागत रहा है और आलोचकों ने फिल्म पर अलग राय पेश की है और जहां कुछ समीक्षकों ने फिल्म के पहलुओं की प्रशंसा की है वहीं दोस्तों अन्य पाया कि कुछ क्षेत्रों में इसमें कभी? इसमें कमी है और द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में तन्ना भाटिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद फिल्म को नारीवादी कथा पर एक कमजोर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था समीक्षकों से फिल्म के नारीवादी विषय के कारण कमजोर निष्पादन पर निष्पादन पर प्रकार डाला गया था और इसके संग्राम प्रभाव को आलोचना की गई थी जिससे दोस्तों इसे 1.5 स्टार रेटिंग मिली और इसी तरह एनडीटीवी के समीक्षक ने कमजोर निष्पादन की भावना को प्रतिध्वनि किया और जिसने कहा कि महिला स्वस्थिकरण को चित्रित करने का फैसला किया था और इसी प्रयास कमजोर और समीक्षा में तमन्ना भाटिया के प्रदर्शन का सराहना की थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कमजोर कहानी की आलोचना की गई और इसे पांच में से वन पॉइंट स्टार दिए थे वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो फिल्म बॉलीवुड के फिल्म में काम करती है बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अभिषेक जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से जिन्होंने वर्ष की 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने अभिनय करने की चंडीगढ़ से आशिकी नामक की फिल्म से सैंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है बबजाज ने उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू 2019 से किया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ, श्रॉफर सुतारिया अनन्या पांडे ने अभिनय किया था जहां उन्होंने दोस्तों अभिषेक शर्मा द्वारा किरदार निभाया और उन्होंने बबजाज विद नाम से एक कॉमेडी वेब सीरीज की भूमिका निभाई और वह उनकी न्यूनतम फिल्म द काइन और भी अफरोज अभिनी वर्ष 2021 हजार इक्कीस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी बात की जाए दोस्तों फिल्म बॉबली कहानी के तो जो की तो फिल्म में बॉब्लींवर जो कि दमन्ना भाटिया दिल्ली के पास एक छोटे गांव में असुल्ला फतेह फतेहपुर और एक अशिकित्त युवा लड़की है जहां ज्यादातर लोग बाउंसर हैं और उन्होंने तो योग्य उम्र होने के बावजूद बबली ने अभी भी अपनी दसवीं कक्षा की पूरी नहीं की है और उन्होंने शिक्षक का उपन्ना ड्रम उससे बहुत परेशान है और उसे हे दृष्टि से देखते हैं और बबली बबली ने बचपन से ही बाउंसर बनने की ट्रेनिंग भी ली रही थी सरपंच की बेटी की शादी में बबली की मुलाकात ड्रम के बेटा से विराज कौशिक अभिषेक बबजा से होती है जहाँ हाल ही में पाँच साल की पढ़ाई के बाद लंदन से लौटता है और बबली को उस पर क्रॉस हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है सिंकू विराज दिल्ली में रहता है और इसलिए बबली उससे मिलने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रही है उसी समय दोस्तों बबली को शादी के प्रस्ताव मिलने लगते हैं और बबली उन सभी को ठुकराने में सफल हो जाती है क्योंकि वह विराज को पसंद करती है बबली बचपन का दोस्त किक्को साहिल वैद जो लंबे समय से उस पर क्रॉस है और उसे पता चलता है कि उसे शादी के प्रभावित मिल रहे हैं और दोस्तों वह असुर असुरक्षित महसूस करता है इसलिए वह उसका परिवार बबली के परिवार के पास भी उनकी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं बबली का परिवार कुकू को पसंद करता है लेकिन वह उसे दोस्त तो मानती है यह महसूस करने के बाद कि कुकू दिल्ली के एक नाइट क्लब में स्पॉन्सर के रूप में काम करता है बबली ने खुद को दिल्ली लाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था वह कुकू को पसंद करने का नाटक करती है और उसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी दिलाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो एक साल बाद अपनी शादी के बारे में चर्चा कर सकें कर सकते हैं और कुकु ने कुकु के नाइट क्लब में महिला एक महिला बाउंसर की नियुक्ति हुई थी और इसलिए उसने उसे अपने क्लब में भेजा दिया था और उसे नौकरी मिल गई थी दिल्ली की दिल्ली में बबली की विराज से कई बार मुलाकात होती है विराज की जन्मदिन की पार्टी में नशे में थूत बबली विराज को बिराज के सामने अपने दिल की बात कबूल करती है विराज बबली को स्वीकार करता है, कर देता है और अशिक्षित और अभ्य असभ्य होने के कारण उसका अपमान करता है बबली का दिल टूट जाता है और वह विराज से अपना रिश्ता तोड़ देती है विराज की बातें सुनकर बबली विराज को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए खुद को बदलने बदलने और अपनी स्थिति में सुधार करने का फैसला करती है वहीं दोस्तों अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कक्षा में दाखिला लेती है अंग्रेजी सीखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है विराज और उसके दोस्त बबली के क्लब में जाते हैं और उसका जिस दौरान उसका कई हाई प्रोफाइल राजनेता के बेटे के साथ झड़प होता है प्ले बाय विराज के सिर पर बंदूक तान देता है और उसके और उसे जान से मारने की धमकी देता है बबली घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने साहस और दिमाग से इसे शांति से हल करने में सक्षम होती है विराज बहुत तो प्रभावित हो जाता है और उसे उससे स्वीकार करने का प्रस्ताव होता है वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसका दिल वापस जीतने की कोशिश करता है बबली कई बार उससे बचने की कोशिश करती है और अंत उसे यह कहते हुए कि अस्वीकार कर देती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती क्लब में एक और रात गैक्टर ने चुपके से एक महिला ग्राहक का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की या उसे मारने की योजना बनाकर भाग गए थे अभिनेत्री बॉबली बाउंसर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बॉबली का एक घटना का दिखती है और इस लड़की को बचाने का फैसला करती है वह सड़क पर सभी बदमाशों को हरा देती है और इस लड़की को बचा लेती है वह घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई बबली अचानक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रियता हो गई उनके राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें वित्रता पदक से सम्मानित किया गया था और दोस्तों बात की जाए अभिनेता साहिल वैद साहिल वैद जो कि यह एक भारतीय अभिनेता, ड्राइंग कलाकार और अभिनेता है, जिन्होंने विद्धु विद्धु बास की 2012 की हांपी शर्मा की दुल्हनिया और बैंक चोर 2017 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 जो कि दिल बेचारा 2020 और उनकी भूमिकाओं के लिए 20 जाना जाता है कुल्ली नंबर वन 2020 और 2005 में उनकी तेलुगु छात्रपति की रीमेक है 12 मई 2023 को रिलीज हुई थी और अभिनेता वैद ने पिछले सत्रह वर्षों में कई नाटकों में अभिनय किया है उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्कूल थिएटर से की और जिसने उन्नीस सौ संतानवे में पेशावर रूप से स्टेज शो के लिए अभिनय किया था उन्होंने 2012 में बिट्टू बास के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और अपने कैरियर के में साहिल को पहले ऑनलाइन एस्टेंट ऑफ कॉमेडियन शो हिंद में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इसके बाद वह हमपर शर्मा की दुल्हनिया 2014 और अभिनय करने के बाद प्रमुखता से उभरे उन्होंने बिट्टूबास बास 2012 बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 बैंक चोर 2017 दिल बेचारा 2020 कुल्ली नंबर वन 2020 में भी देखा गया था उसके बाद दोस्तों अभिनेता सौरभ शुक्ला जोकिया एक भारतीय अभिनेता है जो बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं एक भारतीय अभिनेता और राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पुरस्कार अभिनेता पाठकता और फिल्म निर्देशक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम करता है उन्नीस सौ अंठानवे ना, नायक द रियल हीरो 2001 युवा 2004 और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 हजार में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हासिल किया था 2012 में चाली और एल एल बी दो हजार तेरह की दो हजार चौदह पी के दो हजार चौदह और जाली एल एल, एल बी टू दो हजार सत्रह और रेड दो हजार अठारह उन्होंने गोवा में रु अग्नि अग्निहोत्री और राचेला अग्निहोत्री के साथ लघु वृद्धि चित्रित किया किया गया था 2014 में उन्होंने जाली और एल एल बी में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और दोस्तों बात की जाए माया शुक्ला जो कि भारत की पहली महिला और तबला वादक थी जो कि घराने के गायक और शत्रुधन शुक्ला के घर जन्मे जब शुक्ला ने दो साल के थे जब उन्होंने अपना परिवार गोरखपुर छोड़कर दिल्ली चला गया था शुक्ला ने उन्नीस सौ छियासी की ए, ए लुक बैंक इन एंगर और जॉन अब्राहम जॉन ओसा ब्रोन और घासी राम कोटावाला विजय तेलुगु विजय तेंदुलकर और हेवनदान जैसे नाटकों से भूमिकाओं के साथ गंभीर थिएटर की शुरुआत की थी उन्हें से इक्यानवे में वह एक अभिनेता के रूप में एनएसडी रिपोर्टर कंपनी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पेशावर शाखा में शामिल हो गए थे अगले वर्ष उन्होंने पहला ब्रेक तब मिला जब शेखर कपूर ने उनके काम से प्रभावित होकर बैटी बैंडिट और क्वीन में उनके लिए एक भूमिका निभाई थी शुक्ला ने उन्नीस सौ चौरानवे की दूरदर्शन दस, में अपराध नाटक तहक और तहकता में विजय आनंद के सहायक गोपी की भूमिका निभाई सृज की निर्देशक और करण राजदान ने किया था लेकिन दोस्तों पहले एपिसोड का निर्देशक कपूर ने किया था उन्होंने जी टीवी के नौ माला हिल में लेख और अभिनय किया वह उन्नीस सौ नब्बे के दशक में दूरदर्शन टीवी वी को मुल्ला नसरुद्दीन में एक अमीर जासूस और सरदार का जासूस एक छोटी भूमिका निभाए छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए थे जिसमें उन्होंने भूमिका रघु रघुन्द्र यादव थे और सिरिज मुल्ला नसरुद्दीन की लोकनिकता लोक कथाओं पर आधारित ही और शुक्ला थिएटर प्ले टू टू और टेंगो उन्होंने रामगोपाल वर्मा की उन्नीस सौ अंठानवे की कॉल्ट क्लासिक सत्या की कथा से लेखक किया और फिर फिल्म गैंगस्टर कल्लू मामा का भी भूमिका निभाई उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ सर्वश्रेष्ठ पाठक कथा के लिए स्टार स्क्रीनिंग अवार्ड जीता था उन्होंने सन दो हजार में रेडिफ डॉट कॉम को एक क्लब बनाता हूं और इसकी इसी तरह फिल्म मुझे करना पसंद है वास्तविक को पकड़ना बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है उसी स्क्रिप्ट उसे सचताकार में उन्होंने फिल्म नेर्बान की नेर्बान की अपनी पसंदीदा शैली और कॉमेडी के बारे में भी बात की है। कल्लूरी ने आ, ने तेलुगु और तमिल दोनों फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर स्थापित किया था 2008 में उनकी पहली उपस्थिति जी रविचरण की रेड, रविचरण रेड्डी द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म काली दास में थी और फिल्म को मध्यम समीक्षा मिली थी जबकि दोस्तों आलोचकों ने उनके अच्छे लुक और रोमांटिक अपील को स्वीकार किया था और उन्होंने लगा कि उनके प्रदर्शन द्वारा सीमित था यह फिल्म जबकि बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने वाली थी बाद में दोस्तों उन्होंने तेलुगु फिल्म रेडी में एक कैमियो की भूमिका निभाई जो कि इसके बाद तेलुगु तमिल द्विभाषी निन्ना नेदु, नेदु, नेदु रेपु में एक और कैमियो की भूमिका निभाया था जिसका तमिल और शीर्षक नेद्रो इंद्रु नलाई था अभिनेत्री तमन्ना भाटिया 2009 में पहली रिलीज तमिल फिल्म पडिकदन थी जिसका निर्देशक सूरज ने किया था बात की जाए दोस्तों फिल्म की तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि फिल्म बबली बाउंसर में फरवरी 2022 को तमन्ना को एक महिला बाउंसर के रूप में मुख्य भूमिका के लिए जाने की पुष्टि की गई थी महीने अभिषेक बबजाज को कलाकारों का हिस्से बनने की पुष्टि की गई थी और फिल्म की घोषणा फरवरी 2022 में हुआ था फिल्म के निर्माताओं ने फिल्मांकन शुरू होने के बाद टीम ने एक मुहर्रत व्यवस्था की थी फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2022 को माध्यम से शुरू हुआ था और पहला शेड्यूल पंजाब के मोहाली में हुआ था एक आउट एक आउटडोर शूट के साथ ए, उनके बाद नई दिल्ली और बीस दिनों के भीतर पूरा कर लिया था अंतिम शेड्यूल बाईस अप्रैल दो हज़ार बाईस को मुंबई में हुआ था फिल्म की शूटिंग पाँच मई दो हज़ार बाईस को हुई और मुंबई में पूरी की गई थी फिल्म के गाने तनसिक बक्सी और करण मल्होत्रा ने कंपोज किया था गाने के बोल तनशिक बक्सी और शब्बीर अहमद ने और मानस मानसवी मोहता ने लिखे थे फिल्म बांसर का प्रीमियर तेईस सितंबर दो सितंबर 2022 को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर किया गया है बांसर फिल्म का स्वागत रहा है और आलोचकों ने फिल्म पर अलग राय पेश की है और जहां कुछ समीक्षकों ने फिल्म के पहलुओं की प्रशंसा की है वहीं दोस्तों अन्य पाया कि कुछ क्षेत्रों में इसमें इसमें कमी है और द इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में तमन्ना भाटिया के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद फिल्म को नारीवादी कथा पर एक कमजोर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया था समीक्षकों से फिल्म के नारीवादी विषय के कारण कमजोर निष्पादन पर निष्पादन पर प्रकार डाला गया था और इसके संग्राम प्रभाव को आलोचना की गई थी जिससे दोस्तों इसे 1.5 स्टार रेटिंग मिली और इसी तरह के समीक्षक ने कमजोर निष्पादन की भावना को प्रतिध्वनि किया और जिसने कहा कि महिला स्वास्थ्य स्वस्थिकरण को चित्रित करने का फैसला किया था और इसी प्रयास कमजोर और समीक्षा में तमन्ना भाटिया के प्रदर्शन का सराहना की थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कमजोर कहानी की आलोचना की गई और इसे पांच में से वन पॉइंट स्टार दिए थे वहीं दोस्तों बात की जाए फिल्म में सुपरस्टार स्टार अभिनेत्री तमन्ना भाटिया जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो फिल्म बॉलीवुड के फिल्म में काम करती है बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अभिषेक बब्जाद जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से जिन्होंने वर्ष की 2019 की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने अभिनय करने की चंडीगढ़ से आशिकी नामक की फिल्म से सैंडी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है बबजाज ने उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था और करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू 2019 से किया था और जिसमें टाइगर श्रॉफ, शुतारिया, अनन्या पांडे ने अभिनय किया था जहां उन्होंने दोस्तों अभिषेक शर्मा द्वारा किरदार निभाया और उन्होंने बबजाज विद द टाइस नाम से एक कॉमेडी वेब सीरीज की भूमिका निभाई और वह उनकी न्यूनतम फिल्म द काइन और विवा भी शाम अफरोज अभिनी वर्ष 2021 हज़ार इक्कीस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी बात की जाए दोस्तों फिल्म बाउंसर या फिल्म की कहानी के तो की तो फिल्म में बॉबली थार जो कि दमन्ना भाटिया दिल्ली के पास एक छोटे गांव में फते फतेह फतेहपुर और एक अशिक्षित युवा लड़की है जहां ज्यादातर लोग बाउंसर हैं और उन्होंने कोई तो योग्य उम्र होने के बावजूद बबली ने अभी भी अपनी दसवीं कक्षा की पूरी नहीं की है और उन्होंने शिक्षक का उपन्ना ड्रम उससे बहुत परेशान है और उसे हे दृष्टि से देखते हैं और बबली बबली ने बचपन से ही बाउंसर बनने की ट्रेनिंग भी ली रही थी सरपंच की बेटी की शादी में बबली की मुलाकात ड्रम के बेटा से विराज कौशिक अभिषेक बबजाज से होती है जहाँ हाल ही में पाँच साल की पढ़ाई के बाद लंदन से लौटता है और बबली को उस पर क्रॉस हो जाता है और वह उसके करीब आने की कोशिश करती है बिराज दिल्ली में रहता है और इसलिए बबली उससे मिलने के लिए दिल्ली जाने की योजना बना रही है। उसी समय दोस्तों बबली को शादी के प्रस्ताव मिलने लगते हैं और बबली उन सभी को ठुकराने में सफल हो जाती है क्योंकि वह विराज को पसंद करती है बबली बचपन का दोस्त किक्को साहिल वैद्य जो लंबे समय से उस पर क्रॉस है और उसे पता चलता है कि उसे शादी के प्रभावित मिल रहा हैं और दोस्तों वह और असुर असुरक्षित महसूस करता है इसलिए वह उसका परिवार बबली के परिवार के पास भी उनकी उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं बबली का परिवार कुक् को पसंद करता है लेकिन वह उसे दोस्त मानती है यह महसूस करने के बाद कि कुक्कू दिल्ली के एक नाइट क्लब में स्पॉन्सर के रूप में काम करता है बबली ने खुद को दिल्ली लाने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया था वह कुक्कू को पसंद करने का नाटक करती है और उसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी दिलाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो एक साल बाद अपनी शादी के बारे में चर्चा कर सकें कर सकते हैं और कुक्को ने कुू के नाइट क्लब में महिला एक महिला बाउंसर की नियुक्ति हुई थी और इसलिए उसने उसे अपने क्लब में भेजा दिया था और उसे नौकरी मिल गई थी दिल्ली की दिल्ली में बॉबली की विराज से कई बार मुलाकात होती है विराज की जन्मदिन की पार्टी में नशे में थूत बबली विराज को बिराज के सामने अपने दिल की बात कबूल करती है विराज बबली को स्क्वायर करता है, कर देता है और अशिक्षित और असभ्य होने के कारण उसका अपमान करता है बबली का दिल टूट जाता है और वह विराज से अपना रिश्ता तोड़ देती है विराज की बातें सुनकर बबली विराज को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि आने के लिए खुद को बदलने बदलने और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने का फैसला करती है वहीं दोस्तों अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए एक कक्षा में दाखिला लेती है अंग्रेजी सीखती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है विराज और उसके दोस्त बबली के क्लब में जाते हैं और उसका जिस दौरान उसका कई हाई प्रोफाइल राजनेता के बेटे के साथ झड़प होता है प्ले बाय विराज के सिर पर बंदूक तान देता है और उसके और उसे जान से मारने की धमकी देता है बबली घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने साहस और दिमाग से इसे शांति से हल करने में सक्षम होती है विराज बहुत तो प्रभावित हो जाता है और उसे उससे स्वीकार करने का प्रस्ताव होता है वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसका दिल वापस जीतने की कोशिश करता है बबली कई बार उससे बचने की कोशिश करती है और अंत उसे यह कहते हुए कि अस्वीकार कर देती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती क्लब में एक और रात एक्टर ने चुपके से एक महिला ग्राहक का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गए और उसके साथ बलात्कार करने की या उसे मारने की योजना बनाकर भाग गए थे अभिनेत्री बॉबली बाउंसर में अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने बॉबली का एक घटना का दिखती है और इस लड़की को बचाने का फैसला करती है वह सड़क पर सभी बदमाशों को हरा देती है और इस लड़की को बचा लेती है वह घटना मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई बबली अचानक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रियता हो गई उनके राज्य के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें वित्रता पदक से सम्मानित किया गया था और दोस्तों बात की जाए अभिनेता साहिल वैद साहिल वैद जो कि यह एक भारतीय अभिनेता ड्रॉविंग कलाकार और अभिनेता है जिन्होंने बिट्टू बिट्टू बास की 2012 की हम्पी शर्मा की दुल्हनिया और बैंक चोर 2017 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 जो कि दिल बेचारा 2020 और उनकी भूमिकाओं के लिए दो जाना जाता है कुल्ली नंबर वन 2020 और 2005 में उनकी तेलुगु छात्रापति की रीमेक है 12 मई 2023 को रिलीज हुई थी और अभिनेता वैद ने पिछले सत्रह वर्षों में कई नाटकों में अभिनय किया है उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत स्कूल थिएटर से की और जिसने उन्नीस सौ सन्तानवे में पेशावर रूप से स्टेज शो के लिए अभिनय किया था उन्होंने 2012 में बिट्टू बास के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और अपने कैरियर के शुरुआत में साहिल को पहले ऑनलाइन एस्टेंट ऑफ कॉमेडियन शो हिंद में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इसके बाद वह हमपर शर्मा की दुल्हनिया 2014 और में अभिनय करने के बाद प्रमुखता से उभरे उन्होंने बिट्टू बास